चलेंगे चर्चा में, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आभा सिन्हा जी और आरती जी, इन दोनों से चर्चा करते हैं। सबसे पहले सवाल आभा जी आपसे, क्या ये दोनों सीटें गठबंधन जीत रही है, और अगर लग रहा आपको कि जीत रही है तो क्यों, आखिर क्यों वोटर्स भरोसा करें गठबंधन पर? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि निजी अभियान के माध्यम से हमको बोलने का मौका मिला, और दूसरी बात हमें आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव के मद्देनजर हम लोगों का वहाँ आना जाना लगा रहा जी, और हम लगभग 4-5 बार वहाँ गए, तो सिर्फ हम अपने काम से नहीं गए, जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में ही नहीं गए, बल्कि घूम करके हम लोगों ने एक चर्चा की तरह सबसे चर्चा किया और पूछा कि आखिर कांग्रेस को ही वोट क्यों देंगे। जैसे आपने हमसे पूछा, हमने भी यही पूछा। हमने जब उनसे पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो उन्होंने कहा, खुशी से कहा कि कांग्रेस को देंगे। तो हमने पूछा क्यों, तो उनका कहना एक ही बात था कि राजेंद्र बाबू के द्वारा उनके जब तक वो रहे, चहुमुखी विकास बेरमो में देखने को मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर चाहे वो ग्रामीण एरिया हो चाहे वो शहरी एरिया हो, वहाँ के लोगों ने जब ये बात कही हमें, तो हमें बड़ी खुशी हुई। और ये तो उनके काम थे ना जी, तो उनके बेटे या प्रत्याशी वहाँ से जो देखिए, हम आपको अन्य मैं आपको बताना चाहूंगी कि आदरणीय राजेंद्र बाबू का देहांत होने के पहले वो बहुत जोरों से बीमार पड़े थे, तो हमें लगता है कि बाबू अनूप सिंह लगातार उनके साथ रहे, आज 10 वर्षों से लगातार उनके साथ रहे, और उन्होंने कामों को देखा परखा। अपने बाबूजी से उनको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला, जिसको देख करके ही वो आज अगर हैं, तो ऐसा नहीं कि वो आज पैदा लिए और आज चले आए कांग्रेस में या काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले वो छात्र संगठन से जुड़े, यूथ कांग्रेस में वो चुनाव चुन करके वो आए अध्यक्ष बने, उसके बाद लगातार वो अपने पापा के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा है। और हम आपको ये भी गारंटी के साथ कर सकते हैं कि उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि हमारे पापा का जो अधूरा सपना, जो काम छूट गया है, मैं उसको इन 4 सालों में पूरा करूंगा। तो एक बहुत बड़ी बात है, जीतने की ललक तो उसको होती है ना जो कभी कुछ नहीं बना हो, इनको जीतने की ललक नहीं है बल्कि काम करने का हमस है, और ये बहुत माने अच्छा महसूस कर रहे हैं कि पार्टी ने उनका चुनाव किया और उनको टिकट दिया, और इसके लिए हम तो अपने पार्टी के भी आला कमान को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे सुयोग लड़के को दिया, जो कि आज ये सीट हमारे हाथ में आएगा, पार्टी के नाम पे आएगा। जी आरती जी, एनडीए कितना आश्वस्त है दोनों सीटों को लेकर, खासकर बीजेपी, क्योंकि दोनों ही जगह पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। देना चाहूंगा निजी लेवन वालों को, सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने आज मुझे यहाँ बैठकर इस चुनाव के विषय को लेकर के चर्चा करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। और जहाँ तक हमारे एनडीए की बात हो रही है और 2 सीटों में हमारा उपचुनाव हो रहा है, तो मैं बताना चाहूंगी कि 1 सीट तो हमारी बहन लड़ रही है, और वो हमारी ही बहन नहीं बल्कि पूरे दुमका की बहू है, बेटी है, वहाँ की मतदाता है, और उसे जरूर वहाँ की जनता स्वीकार करेगी, यह पूरा उम्मीद है, और आगे जीत जरूर होगी। लेकिन गठबंधन तो ये भी कह रहा ना आरती जी कि जो मैंडेट रहा 2019 के विधानसभा चुनाव का, और वो तो संवैधानिक वजह से ये दुमका की सीट छोड़नी पड़ी सीएम हेमंत सोरेन को, तो वही मैंडेट रहेगा, चेंज क्यों होगा? चेंज होना निश्चित है, आप देख लीजिए लोग, ठीक है, जनता परिवर्तन की है और इसे जनता हमेशा बीच बीच में इस तरह का परिवर्तन करती है, लेकिन आप बहुत आशा के साथ जनता करती है, जिस आशा और विश्वास के साथ जनता ने परिवर्तन किया, लेकिन आज वो देखने को कहीं भी नहीं मिल रही है, पूरी जनता निराश है। हम तो आज महिलाओं की, मैं प्रभारी भी हूँ पूरे झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की, और उस नाते मेरा जाना सभी जगह पे होता है, और मैं महिलाओं से ज्यादा रूबरू होती हूँ, बात करती हूँ, तो हमेशा मुझे ये लगा कि जब से ये सरकार बनी है, महिला विरोधी योजनाओं को जैसे बंद कर दिया, तो ये महिला विरोधी सरकार है, ऐसा मेरा भी नहीं कहना है, ये पूरे महिलाओं का कहना है, तो ज्यादातर महिलाएं जो हैं इसमें आक्रोशित हुई हैं। जी, आपने आपका कब का है, 9 महीना का है या फिर 5 साल का है? ये हम 10 महीने की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इस सरकार की, और जहाँ 5 साल की बात है, 5 साल में सरकार ने क्या किया, वो आप लोगों के बीच में भी रहा है, हम लोगों के भी बीच में रहा है, और बीच में बताने का भी अवसर मिला है। तो अगर हम पिछले सरकार की बात करें तो सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाएगी, इतनी सारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाओं का जो शुभारंभ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने किया था। क्या किसी के कार्यकाल को 5 वर्ष बनाम 10 महीने ये कंपेयर किया जा सकता है, और वो भी इस पैंडेमिक काल में?
बिल्कुल किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता। अगर हमारे ऊपर काम करने की लगन है, हम अगर नीतियां बनाते हैं, अगर सिद्धांत अच्छे से बनाते हैं, तो हमारे लिए 24 घंटे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तो 10 महीने की बात है, तो 10 महीने में क्यों नहीं दिखा एक भी परिवर्तन, छोटा सा भी परिवर्तन आखिर क्यों नजर नहीं आया? जवाब दीजिए, क्यों नहीं दिखा? 10 महीने बहुत होते हैं। क्या काम इनको नहीं दिखा हमको पहले ये तो बताएं, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन के माध्यम से जो हमारे झारखंड के सीएम साहब ने काम किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर बाबू, वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो कि बन्ना गुप्ता जी, इन लोगों ने जो काम किया वो दिखने को दिख रहा है, सबके सामने नजर आ रहा है। क्योंकि हमारे जितने प्रवासी मजदूर लोग जो कि मतलब लंगड़ते झगड़ते अपने बच्चों को लेके उठा के गोद में, ना उनको सवारी मिली ना गाड़ी मिली, उस हालत में वो आ रहे थे, उसके लिए सीएम साहब ने नया मतलब प्लेन से लाने का काम किया, गाड़ियों का व्यवस्था किया, तो क्या ये काम नहीं था कोरोना काल में? एक मिनट आ दीजिए, मैं बता रही। कोरोना काल में अगर आप कहें तो ये जरूरी था, भूखे पेट चल रहे, उनको खाना भेजने का काम, क्या यह मानवीय संवेदना आपकी मर गई है? ये सोचने की बात है कि आदमी क्यों ऐसा काम कर रहा है। और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री का काम देख लीजिए, उन्होंने रिम्स को जो बेहतर बनाने का काम किया है, इसके अलावा हर जगह कोविड 19 का जांच हो रहा है, चाहे वो प्रखंड से लेकर जिला तक की बात करें, पूरे प्रदेश में जांच चल रही है और रिकवरी हो रहा है लोगों का, तो ये काम नहीं है क्या? इसके अलावा भी उन्होंने अभी अभी लगभग हजारों लोग को नौकरी देने का काम किया। आप 10 महीने की बात करें, हम आपसे विगत 5 साल की बात करें, क्या काम आपका दिखा हमको? जरा गिना के आप बता दीजिए कि हाँ रघुवर काल में ये काम हुआ। आप लुईस मरांडी की बात करते हैं, लुईस मरांडी ने जो निर्धन बच्चों का छात्रवृत्ति आता है उस घोटाले में फंस गई, और उन्होंने 61 करोड़ जो उनको पैसा मिला, फंड मिला, उसमें वो 23 करोड़ रुपए का गबन कर दी। आप किसकी बात कर रहे हैं? सब तो लूटखंड बना के रख दिया झारखंड को। जैसे आपने कहा कि कोरोना के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, उसके लिए सरकार स्वतंत्र है, कर रही है। हम अपने सरकार चला रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे माता के लोग रहे जो काम करने वाले। हम कहते हैं कि 1 रुपया की रजिस्ट्री जब रघुवर सरकार ने शुरू किया महिलाओं के लिए, विशेषकर ये महिलाओं का योजना था, वो बड़ी महिला छोटी महिला ऐसा कुछ नहीं था, कैसे किया 1 लाख से ज्यादा महिलाएं 1 रुपया के रजिस्ट्री करा करके अपनी प्रॉपर्टी की मालकिन। इसका जवाब भी सत्ता पक्ष ने ये कह कर दिया कि ऐसे लोग खरीद रहे थे ये जमीन, ऐसे लोग की बात नहीं है। देखिए बिल्डिंग ऑलरेडी पड़ा हुआ, आपके पास पैसा हो सकता है। हमारा कहना है कि 2 महिलाओं के पास पैसा, चलिए 2 महिला ऐसा महिला चलिए अमीर महिला चली करा ली है, ठीक है, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि हर महिला का सपना होता है, हर महिला का सपना होता है, और दिन रात मेहनत करके वो अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहती है, तो इसका लाभ आने वाले दिन अगर मान लीजिए ठीक है, हम 10 डिसमिल जमीन नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम अगर 3 डिसमिल भी अगर हम गरीब महिला है और 3 डिसमिल भी अगर हम जमीन ले रहे हैं, तो उसकी रजिस्ट्री में मान लीजिए 1 रुपया ही लग रहा था, तो ये किसके सम्मान की बात थी? ये एक गरीब महिला के सम्मान की महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं के नाम चल ही रही थी, प्रॉपर्टी रहती ही नहीं है, ये एक जरिया था कि कम से कम महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी हो पाती, प्रॉपर्टी घर की मालकिन बने महिलाओं के। लेकिन सरकार ने महिला विरोधी काम करके ये दर्शाया है कि ये महिला लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी नहीं रह पाती है। अगर 1 रुपए की रजिस्ट्री वाली योजना रहती तो क्या वो इसका लाभ नहीं उठा पाती? नहीं उठा पाती, उठाएंगी अगर हम जैसे आप जैसे लोग अगर अपने तो मना किसने किया जागरूक हर महिला के लिए जागरूक है तो जरूर उठाती, लेकिन यहाँ पर तो जरूरतमंद को मिला नहीं ना। अब हमारे इसके लिए तो कोई प्रोविजन किया जा सकता था ना, नियम में बदलाव किए जा सकते थे। अरे एक बार ही लाभ मिला ही गुजरा है ना, एक बार ही इसका लाभ मिलता, उसके बाद फिर दूसरी महिला, ऐसा नहीं है कि एक अगर हम बहुत अमीर हैं और हम 10 बार जमीन ले रहे तो 10 बार हम रजिस्ट्री करा ले, ऐसा भी नियम नहीं था। इसलिए से देखते हुए रघुवर जी ने बहुत सोच समझ कर हमारे गरीब महिलाओं के लिए भी ये किया था। घर का सपना हर एक को होता है, मालिक मालिक लोगों ने मनने का सपना बहुत क्या किया, वो भी तो गरीबी दूसरी बात है कि जन कल्याणकारी योजना की हम बात करते हैं, घर घर सिलेंडर और चूल्हा पहुंचाने का काम किसने लेकिन किया? बहुत घोटाले हुए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। घोटाला में इतना घोटाला हुआ जिसका सबको देखिए आ भरती है महिलाएं लोग आज भी लाइन पे घर पहुंचा है, सिर्फ उस महिला से आज घर घर पहुंच रहा है, पहुंच के बोलता है कि हम आ रहे हैं सिलेंडर लेने, आपको लेना है क्या, आकर के पूछता है। तो ये नौबत क्यों आई थी जब उज्ज्वला गैस योजना इन लोगों ने चलाया था, तो महिलाएं तरस रहती थी, घंटों लाइन में धूप में खड़ी है, फिर भी नहीं मिलता था, वापस आती थी और कहां 350 और कहां 900,
900 तक पहुंच गया था, आज कम से कम 10 महीना में ही रेट तो घट के आया 600 तक। हम तो ये मानते हैं महिलाओं को तरस अगर कोई किया है तो वो रघुवर काल में हुआ, अन्यथा महिलाएं कहीं से तरस नहीं थी और ना होंगी, अब तो नहीं होंगी, क्योंकि तो हमारे हमारे नहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध का जो ग्राफ तो है आभा जी, उसका हवाला भी तो दे रहा है ना विपक्ष की, लगातार दुष्कर्म बताइए महिलाओं के लिए बढ़ रही है। रघुवर काल में जितनी महिलाओं के साथ प्रताड़ना हुई, जितनी बलात्कार हुई, कि आपके पास आंकड़ा है तो आप मिला लीजिए उस आंकड़ा को। हम लोगों ने हर दिन हमें रोड पर रहना होता था, पुतला जलाना सरकार का, आप लोगों ने वो देखा तो हमारे सरकार के बारे, आप अभी आप हैं, आप इसको रोकिए, आप रोकेंगे क्यों नहीं रोके, हमें यूपी से सवाल फिर क्यों नहीं होता है, यूपी सरकार से भी सवाल कीजिए। हाँ आप लोग भी कीजिए सवाल कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, हम लोग भी तो रोड में ही रहते थे ना उस समय, हर दिन। यानी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होंगे वो सरकार किसी की भी रहे, बीजेपी की रहे, एनडीए की रहे, गठबंधन की रहे, तो लड़ेंगे ना। उसमें कम हुई थी और लोग आरोपित हैं थे, उनको सजा भी मिली है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये 10 महीने में जिस रफ्तार से बढ़ी है ना, ये इसी सरकार में बढ़ी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आरती जी, रोक सब जगह होता है, लेकिन डीजीपी ने जो अभी मीटिंग किया क्राइम मीटिंग, उसमें उन्होंने कहा ना आप अपने बच्चियों को रोकने का प्रयास कीजिए, रात में जो जाती हैं डेम्स घूमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उस समय कौन पुलिस जाएगा देखने के लिए, हमको बताइए। हमारी बेटी अगर कहीं जा रही तो सबसे बड़ा क्लास, सही कहा उन्होंने, सबसे बड़ा स्कूल घर होता है, माँ बाप होते हैं शिक्षक, अगर हम अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षा नहीं देते हैं कि आपको नहीं निकलना है, और हम अगर उस पर जोर आजमाइश नहीं करेंगे तो हमारे बच्ची कहाँ से सुरक्षित रहेंगी। ये बात बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को पहले अपने घर से चेक करना, लेकिन खौफ नहीं होगा पुलिस का तब तक ऐसी घटना होगी ना। अच्छा जी अभी खौफ है, आप देख रहे हैं पॉक्सो एक्ट के तहत सजा मिल रही है और लगातार मिल जा रही है। महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट भी होती है, ये इसी सरकार में हुआ है, आपको जैसा कि ध्यान होगा, और आप देख रहे होंगे कि जैसे अब ये सरकार कहती है कि मैं आदिवासी हितैषी हूँ, लेकिन आप बता सकते हैं क्या कि देखिए गुमला में दोनों भाई बहन की हत्या हो गई, वो भी आदिवासी संथाली बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, तो ये कैसी सरकार, उनके क्षेत्र में हो रहा है, सीएम के क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है। घटना घट गई, आप उसे रोक नहीं पाए, लेकिन उसके बाद सरकार भी इसलिए उठता है कि आप आरोपियों को कब तक पकड़ते हैं और कैसे उन्हें सजा दिलाते हैं, बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल हम आपको यही बोलना चाह रहे, हमसे पूछे आप जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि उतना बड़ी घटना घटी लेकिन हमारे सीएम साहब वहाँ गए, जा करके उन लोगों ने सारी बात को जानकारी ली, उनके रहने खाने पीने उनका डॉक्टरी इलाज से लेकर के जो एक रिपोर्ट बनाया जाता वो बना, पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर केस करने का प्रावधान हुआ, सारे लोग पकड़े गए, तो ऐसा तो नहीं हो गया पकड़ाए नहीं, पकड़ा गए और अब उनको सजा भी मिलेगी। हमारा कहना आदिवासी बोलने से नहीं होता, आदिवासियों के लिए आपने क्या किया रघुवर सरकार के काल में, हमको ये तो बताइए। आरती जी जवाब देंगे इसका, ये तो बताइएगा। महिलाओं की जहां तक बात है तो उन्होंने उनको सशक्त बनाने के लिए हर पंचायत स्तर पर जिस तरह की इकाई खड़ी की थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी बहनों को इसराइल ले जाने का काम हुआ था, कृषि की आधुनिकता की जानकारी हो, किस तरह से कृषि हमारा आगे बढ़े और किस तरह से आधुनिकता के साथ हमारी बहनें करें, तो उसमें हमारी आदिवासी बहनें ही थी जो इसराइल गई थी और वहां से सीख करके आई थी, ताकि यहाँ जो कृषि उत्पादन हमारा कम हो रहा है उसे हम कैसे बढ़ाया जाए, तो इस तरह से उन्होंने एक अच्छा एक शुरुआत किया था और वो भी पंचायत स्तर से लेकर के शुरुआत किया था, तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था और कभी भी वो महिलाओं के लिए सोचते थे, सखी मंडल देखिए बनाए, कौशल विकास योजना के तहत हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बच्चियां रहती हैं उनको ला करके और सेंटर पे उनको प्रशिक्षण दिलाने का काम किया। आप अभी देख रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हम नामकुम की तरफ की ही बात करते हैं, एक टेक्सटाइल खुला है, उसमें हजार के संख्या में हमारी बेटियां जो हैं वहां जा रही हैं और 8,000 से लेकर के 10,000 तक डेली कमाने का काम कर रही है। लेकिन हम इस सरकार से पूछते हैं कि उद्योग को बंद जो करा दिया, आपको पता है जैसे ओरिएंट उद्योग है, इतना बड़ा उद्योग चल रहा था और लगभग 5,000 से 10,000 तक के मजदूर वहां आज बेरोजगार हो गए हैं, बंद पड़ा, तो आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेवारी सरकार क्यों नहीं लेती है, आखिर क्यों बंद कराया गया। अरे मौका आप दीजिएगा ना सरकार को काम करने का, अभी तो शुरुआत, बंद कराने का मौका तो हम दिए नहीं थे, बंद क्यों कराया, बंद इसलिए कराया कि वहां पर भी घपलेबाजी हो रही थी, हर जगह मतलब इस सरकार जानकारी है तो काम भी आपको घपला दिख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, घपला उतने लोगों का घपला सामने आ रहा था, पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, इसमें आपको घोटाला दिख रहा है, हम लोग को कुछ नहीं घोटाला था,
उतना लोगों का रोजगार आप पहले दे करके देखिए ना, आप बंद कराने अभी अभी करा तो दिया गया, अभी अभी तो जो प्रवासी मजदूर लोग आए उनके प्रवासी मजदूर हमारे शहर की महिलाएं, हमारे ग्रामीण महिलाएं झारखंड की सभी। चलिए आपा जी एक बात, चलिए 10 महीने में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, पेंडेमिक पीरियड है इस वजह से, तो कोरोना को नहीं हुआ बोल सकते हैं? हुआ, इतने लोगों को नौकरी मिली है, आप कैसे बोल रहे कि नहीं मिला? महिला उसमें महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी हैं, लेकिन क्या ये मौजूदा सरकार या गठबंधन या कांग्रेस संतुष्ट है ये जो 10 महीने का कार्यकाल रहा, अगर इसको जज करती है जनता, तो क्या आप संतुष्ट हैं इस कार्यकाल से? कोविड को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए, जो उपाय होने चाहिए, जो सहायता होनी चाहिए जनता की, वो पूरी हुई? बिल्कुल पूरी हो रही है। कोविड को लेकर के जो भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री पूरे ध्यान दे रहे हैं उसमें, और जहां भी ऐसा सुनने को मिलता है खुद जाकर के देखते हैं, यहां तक कि रिम्स में कई बार अपने इलाज तक उन्होंने वहां करवाया, तो आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई कैसे नहीं हो रही है। रिम्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है कोविड को लेकर के, हम खुद आरती जी, क्या विपक्ष संतुष्ट रहा? चलिए विकास, बीजेपी का ना कोई विकास का काम 10 महीनों में नहीं हुआ, लेकिन 10 महीने क्या कोविड-19 को लेकर जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, जो काम हुआ, प्रवासी मजदूरों को लाया गया, उन्हें मनरेगा से जोड़ा गया, क्या इससे संतुष्ट विपक्ष है अगर मुद्दा इसे बनाया जाता है तो? देखिए ये हम नहीं कह सकते कि संतुष्ट है, क्योंकि अभी भी मजदूर जो है फिर बाहर जाने की तैयारी में है, पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ये कहां से हो गया कि यहाँ उनको नौकरी मिल गया है, काम मिल गया है, यहीं रहेंगे? हम ये जहां तक प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए था, तो आपको जैसा ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जो अपना नाम कमाने लगे, आपको हमको ध्यान नहीं आ रहा जगह का पूना था या कहीं और था, वहां से छात्र लोग चंदा करके वहां के प्रवासी मजदूरों को यहां भेजा गया उनको, लेकिन ये अपने नाम पे कि हम किए, तो ऐसा दूसरों के काम को अपने ऊपर लाना ये भी ठीक नहीं हो रहता है। चलिए चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी और बीच बीच में आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे। बेरमो और दुमका में उपचुनाव हो रहे हैं और लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी तमाम जगहों पर मौजूद हैं जो आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। यहाँ चुनाव पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आरती जी क्या लगता है, यहाँ फिर से एनडीए को चुनेगी जनता? लग तो रहा है पूरा है, उम्मीद पूरी है। की ही सरकार वहां बनेगी। आभा जी क्या कहेंगी? बिल्कुल नहीं, वहां गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि अभी जो हमने देखा जी हर जगह, चाहे वो मुंगेर की बात करे या और भी जिलों की बात करे, भागलपुर की बात करे, बेगूसराय की बात करे, जितना विकास का काम बेगूसराय में हुआ वहां हमारी महिला बहन ही चुनाव लड़ रही है, अभी भी वही लड़ रही है जी। हमने उनसे बातें जब की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ विकास की मुद्दा पर ही काम हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जहां विकास होगा वहां बदलाव आएगा, और बदलाव आएगा तो गठबंधन में जो हमारे प्रत्याशी है वही जीत के आएंगे। आरती जी बिहार में तो जो एनडीए गठबंधन है, अब लोजपा उससे अलग चुनाव लड़ रही है, तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा वहां के वोटर्स पर या आपके वोट बैंक पर? ऐसी कोई बात नहीं है, वहां चुनाव लड़ना अलग होती है, अलग बात होती है, लेकिन जनता का जो रुझान है वो माननीय मोदी जी के कार्यकाल जब से शुरू हुए हैं तब से जिस तरह की योजनाओं का भरमार हुआ है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी, तो लोग, जनता अब जान चुकी है कि अगर हमारा विकास हो सकता, अगर हमारी उन्नति हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी जी के कार्यकाल से ही हो सकती है, और दूसरा इसे कोई नहीं कर सकता है। तो वहाँ जो हमारा एनडीए की सरकार है वो आगे देखिएगा बनेगा, और आगे हम पूरी मजबूती के साथ उभर करके फिर जनता के बीच आने वाले हैं। चलिए तो अच्छी बात है, उम्मीदें रखनी चाहिए और जनता तय करेगी नतीजे, जब ईवीएम खुलेंगे उसके बाद पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना है, सत्ता की चाबी किसे दी है। बहरहाल हम उपचुनाव पर लौटते हैं, झारखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन दोनों सीटों पर ही दोनों खेमा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। दुमका में भी आभा जी बीजेपी ने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को उतारा, सांसद को उतारा, पूर्व मंत्रियों को उतारा, और पूरे तरीके से कोशिश की गई कि इस सीट पर दोबारा बीजेपी को ये सीट हासिल हो। क्या ये कोशिश के आगे जो गठबंधन है उसकी कोशिश को किस तरह से देखती है? देखिए हर जगह अभी जहां भी देखिएगा तो सिर्फ विकास की बात हो रही है। अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम अगर अपने क्षेत्र में विकास नहीं किए तो कोई उसका फायदा नहीं हुआ, और ऐसे प्रत्याशी को तो चुनाव लड़ने का कोई हक भी नहीं है, जो कि आप 5 साल रह करके भी कोई काम नहीं किए। आप बेरमो की बात अगर हम करें तो आपको हम बताना चाहेंगे कि राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में चौमुखी जो विकास हुआ उसमें जीता जागता पहचान है धनबाद का रोड, जिसको उन्होंने पलामू तक का कोल इंडिया के वेलफेयर फंड
जो कि महिलाओं के लिए होता है और महिला के लिए काम आता है वो हुआ। राज्य सरकार के सहयोग से हर एक रोड बनाने का काम किया गया धनबाद से लेकर के पूरा रोड जी। अभी हम भी गए, आप भी गए होंगे तो देखे होंगे कितना बढ़िया रोड है। और आपका दूसरा है कि बिंदेश्वरी दुबे आवासीय महाविद्यालय, जिसमें कि बच्चे लोग, गरीब बच्चे लोग भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती है। आप चंदपुरा जाइए, राजेंद्र बाबू के नाम से कॉलेज है, रामविलास हाई स्कूल में माइनिंग सर्वेयर का पढ़ाई होता है। तो ये सब राजेंद्र बाबू का विकास का काम था, जो कि गति देने का काम उन्होंने किया था। और अब पॉलिटेक्निक कॉलेज है, केबी कॉलेज है, एमए की पढ़ाई शुरू कराई, फुसरो में कर्पूरी ठाकुर अस्पताल का निर्माण कराया, अपने क्षेत्र में कई अस्पताल बनाने का काम किया, जो कुछ बाकी रह गए जिसको हमारे प्रत्याशी अनु बाबू ने कहा है कि मैं उसको पूरा करूंगा। लगभग 24 अस्पताल है। तो आप इसको, हम लोग विकास की बात करते हैं, अपना विकास तो सब कोई करते हैं। हमारे मोदी जी के बारे में हमारी बहन ने कहा, आरती जी ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया उनके नाम पर। आप बता सकते हैं, रेलवे हो, हवाई अड्डा हो या फिर BSNL हो, सबको तो उन्होंने बेच दिया, रहा क्या है जो कि विकास का काम करेगा। और सबको आप बेचते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और अब कहते हैं कि हम काम करेंगे, तो पब्लिक भी बुद्धू नहीं है। फेकू और झूठ बोलने वाले लोग को सब कोई समझ गया है, आम जनता अच्छी तरह समझ रही है और इस उपचुनाव में अच्छा तरह जवाब भी देगा। चलिए, तो उपचुनाव में जवाब मिलेगा आरती जी पीछे, जैसा कि आभा जी ने कहा है कि राजेंद्र जी के कार्यकाल में इतना अच्छा काम हुआ, इतने सारे विकास के काम हुए, सारा कुछ हुआ। तो जब इतना सारा काम राजेंद्र जी के कार्यकाल में हुआ ही है और उनको जीत पूरा लग रहा है कि हम जीत ही रहे हैं, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज करना, उन्हें बेरहमी से मारना, ये कहां तक उचित है? वो बौखला गए हैं, कुछ वो जीतने वाले नहीं है, उन्हें लग रहा है कि उनकी हार होने वाली है। आरती जी ने तो रिजल्ट बताया 10 तारीख को, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। कार्यकर्ता है लक्ष्मण महतो जी के साथ, उनके कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, तो ये कहां, ये तो इनकी बौखलाहट नजर आ रही है ना, इनको लग रहा है कि ये हार रहे हैं, तब तो इस तरह की काम हो रही है। रोड शो में हम लोगों को पता चला था कि हम लोग के ऊपर भी लाठी बरसा होगा। अगर हम विकास का काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं, तो हम निश्चित रूप से निश्चिंत क्यों नहीं रहे कि भाई हम जीत ही रहे हैं? तो इस तरह का जो खेल हो रहा है, ये थोड़ी ना होगा कि हम घर में बैठ जाएं। खेल हो रहा है, चुनाव में हमको टिकट मिला, हम तो काम करेंगे ना। जैसे हम लोग भी जैसे घूमने जाते हैं, पूछने जाते हैं, तो सब में एक तरह से हमको लगता है वहाँ भय से भी लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ये इन्होंने ये काम किया। ओके, अगर स्वतंत्र जनता को छोड़ दिया जाए, वोटर को छोड़ दिया जाए, तो आपको पता चलेगा 10 नवंबर की वहाँ क्या रिजल्ट। हाँ, जनादेश लोकतांत्रिक के व्यवस्था के साथ अगर झारखंड में चुनाव हो रही है, तो आप इसको समझ लीजिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कोरोना में रोकथाम, अग्रिम भूमिका निभाने का काम किया, पलायन रोकने का पहल किया, ये सब जनहित को, समस्या को लेकर के काम हो रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है, लोगों ने देखा और देख रहे हैं, इसका जवाब 10 को, ठीक कहा आपने, 10 को मिल तारीख को जो भी होगा। आरती जी, वो पिछला जो 5 साल था रघुवर दास कार्यकाल, 5 साल, क्या उसे देखते हुए इस बार आप लोगों ने वोट मांगा है बेरमो और दुमका दोनों जगह? दोनों जगह अपने कार्य करने के जो हमारे तरीके थे और जो हमारे यहाँ जो जन कल्याणकारी कार्य हुए थे पूर्व में, वो तो हुआ ही था। और दूसरी बात है कि अभी की सरकार के जो रवैया है, इसको भी जनता देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद परिवर्तन करेगी और खुद हम लोग देखेंगे आने वाले समय। क्या केंद्र से जो नाराजगी है लोगों में आभा जी, जो केंद्र की कई नीतियों का विरोध हो रहा है, उसका असर भी इस उपचुनाव पर दिखेगा? सिर्फ झारखंड की मैं बात नहीं कर रही, कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा आशा जी, क्योंकि केंद्र से ही सरकारें चलती हैं। आज अगर फंड की बात करें, हमें, हमारे फंड को रोक दिया गया। आपको पता है जब रघुवर काल का सरकार था, महिला उत्थान के हेतु राशि जो आई थी उसको वापस लौटाया गया 2014 से लेकर के 2019 तक। तो वो आप महिलाओं को एक तरफ बोल रहे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन कहाँ दिखा उत्थान महिलाओं का? लेकिन आज अगर केंद्र से बात चलती है और केंद्र से पैसा मांगा जाता है, तो उनके पास फंड नहीं है, केवल उसी राज्य को नहीं है जहां पर की गठबंधन की सरकार। इस पर जवाब आरती जी देंगी, ये आरोप लगा रही है सरकार बहुत लंबे समय से, केंद्र सहयोग नहीं कर रही, पूरी जीएसटी का पैसा नहीं दे रही, राज्य का पैसा नहीं आ रहा। सबसे पहले तो राज्य की हम बात करें ना, कि अगर जिस जो मुखिया है उसके पास कोई नीति सिद्धांत ही नहीं है, तो पैसा को अगर लेकर भी करेंगे क्या, पहले वो तो बताए, वो तो आप केंद्र को बताएं ना। आप ऐसे कैसे समझ लें कि उनके पास नीति सिद्धांत नहीं? अभी तो उनको, अभी जो एक बच्चा पैदा लेता है तो उसको कम से कम बैठने का तो मौका दीजिए, खड़ा होने का तो मौका दीजिए। 10 साल कोरोना
के टाइम का समय था, फिर चुनाव आ गया, अब उनको मौका तो दीजिए काम करने का। आप लोग 5 साल रह के कुछ नहीं किया, बेटी के लिए न्याय मांगने स्टेज में बाप चढ़ता उसको धक्का मार के आप भगा देते हैं। आप क्या बात करते हैं साहब, बेटी के लिए बोलते हैं हम लोग इतना किए, जिस बेटी को न्याय के लिए बलात्कार होता है और उस बाप जाता है स्टेज पे कि हमको न्याय दीजिए, उसको धक्का मार के आप बाहर निकलवा देते हैं, उस तरह आप कैसे बोल रहे कि हम महिलाओं के लिए हमारा सरकार सुरक्षित है या करता था काम, हम कैसे मान ले इस बात को? आरती जी जवाब दीजिए इस पे। जवाब दे रहे हैं, अभी आपने देखा है कि 2500 लगभग पुलिस कर्मी आए थे जिसमें महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में थी, उनको किस तरह से बर्बरता के साथ मारपीट किया गया, खाकी वालों के साथ खाकी की ही पिटाई की गई, तो ये वो अपनी बात कहने के लिए आए थे, उनको सुनना था, उनकी बातों को सुना गया, हमारे खुद मंत्री जी वहां गए जाने के बाद से, इससे पहले वाला आरती जी उस पर भी तब जवाब दीजिए, आंगनबाड़ी सेविकाएं पारा टीचर्स उन लोगों पर लाठी सरकार है ना, कि आपकी सरकार में जब महिलाओं का सम्मान हो रहा है सब कुछ हो रहा, तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों घटने दी आपने? आरती जी आपके सरकार में भी रात को 1 बजे रात में पानी का बौछार कराया गया, हम खुद वहां खड़े हैं, लाठी चार्ज हुई पुलिस कर्मियों पर क्यों अपनाया गया? फिर उसी तरह का रवैया आप जो बोल रहे हैं, तो क्यों कि आप महिला हितैषी थे, सबके हितैषी थे, तो आपको बात करनी चाहिए थी, वो लोग आए थे अपनी बात कहने, तो फिर उनके ऊपर क्यों इस बात की ना, हमारे मंत्री तो लोगों ने जब सब कुछ हो गया उसके बाद आप बात किए हैं, ये तो हो सकता है हम लोग आप ही लोग से सीखे होंगे, लाठी का बौछार करो, पानी का बौछार करो और उसके बाद हम लोग बात सुनेंगे, हो सकता है हम लोग भी यही सीखे 5 साल रह करके आपके सरकार। जनता इसका फल देगी या फिर किसके वादों पर भरोसा करती है वो देखना होगा, को ही पता चलेगा। चलिए कुछ खबरों से भी अपडेट करा देते हैं अपने दर्शकों को। आपको बता दें कि आज बेरमो और दुमका दोनों ही सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन दोनों सीटों पर सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है और जो वोटिंग प्रतिशत अब तक नजर आ रहे हैं वो काफी उत्साह वाले नजर आ रहे हैं। दोनों जगह पर, दोनों सीटों पर हम कहें तो सिर्फ आमने सामने का मुकाबला है, कोई त्रिकोणीय एंगल यहां पर नजर नहीं आ रहा है, कोई ट्रायंगल नहीं है, सीधा सीधी मुकाबला नजर आ रहा है गठबंधन और एनडीए के खिलाफ। बेरमो से योगेश्वर महतो बाटुल और अनुप सिंह के बीच में मुकाबला है, वहीं दुमका से बसंत सोरेन और लुइस मरांडी के बीच में मुकाबला है और जनता इन दोनों का भविष्य तय कर रही है, ईवीएम में कैद कर रही है। फिर से वही सवाल, आखिर जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही खेमा अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हुई वो दोनों भी दावा कर रही हैं कि उनके ही पार्टी के प्रत्याशियों की जीत होगी, उनके गठबंधन की ही जीत होगी। आरती जी दीपक प्रकाश भी दावा कर रहे हैं और उन्होंने तो ये तक कहा था कि 3 महीने में मुख्यमंत्री का चेहरा तक बदल जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आखिर कहां से आया? जनता के आक्रोश को देख करके ही उन्होंने ये बात कही है और जिस तरह से आज राज्य का हाल हो रहा है जी, तो ये सब देखकर ही उनके मुंह से ये निकला है और सही बात निकली है, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। यानी मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग बदल दीजिएगा आबा जी। जो काम 2014 से लेकर के 2019 तक नहीं हुआ, आक्रोश उसके लिए है। ये लगता है दीपक प्रकाश जी को, हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, और उनको लगता है दिखा नहीं कि किस काम किस बात से आक्रोश है, क्योंकि जो काम अगर अच्छा काम किए होते तो शायद चुनाव लड़ने की भी नौबत नहीं आई होती, लेकिन उसमें जब उनको मात खाना पड़ा और उपचुनाव में इनको वोट क्यों देगी जनता, ये भी सोचने की बात है। जब आपको चुनाव में नहीं दिया गया विधानसभा चुनाव में, तो फिर उपचुनाव में आपको तो इनके पास है ना 10 महीने विकास नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, बीजेपी तो ये कह रही है। कहने से क्या हो जाएगा आसिया जी, बात तो है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम कहाँ से काम करें, केंद्र से मांग मांग के थक गए, लास्ट में 2.5 करोड़ रुपया शायद पहुंचाया गया, तो वो फंड वो भी कोरोना काल जैसे समय में आपने फंड नहीं दिया, सोचने की बात है। हम कहाँ से सेवा करेंगे, हम कहां से विकास की बात करें? आरती जी क्या ये डबल इंजन की सरकार नहीं होने का खामियाजा है? डबल इंजन तो इसलिए बना था ना कि एक उधर से जाएंगे किधर से जाएंगे। आरती जी इसका जवाब देंगे, क्या डबल इंजन नहीं है इसलिए यहां भेदभाव हो रहा है? डबल इंजन रहे ना रहे,
आदमी को अपने कार्य शैली को थोड़ा बदलना होगा और विकास की अगर बात करते हैं तो विकास करके भी दिखाना होगा। समय की पाबंदी नहीं आती है और जहां तक धन की बात है, धन की कमी ऐसे भी झारखंड में नहीं है। अगर आप सोचिएगा तो जरूर कर पाइएगा, लेकिन सोचिएगा ही नहीं तो कहां से कर पाइएगा। ये बात सही है। सबसे बड़ी बात है कि नियत को साफ करना चाहिए। आप मंदिर में गए साहब, मंदिर में जाके हाथ जोड़ के बोलते सरकार गिरा दीजिए, देखिए अपने आए आप सीढ़ी में गिर गए, तो आप नियत ही साफ नहीं करेंगे। जैसा नियत करेगा वैसा बरकत होगा ना। मुराद भी तभी मिलता है जब आप नियत को साफ रखिएगा। अब वो तो मंदिर में जाके आप दर्शन कर रहे हैं, 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि क्या मुराद सही था या गलत था। तो क्या वाकई ये जो दोनों सीट है, आप दोनों को ये लगता है कि इसकी जीत हार बहुत कुछ तय करेगी, क्या आगे झारखंड का भविष्य तय करेगी? बिल्कुल आरती जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेगी, दिशा और दशा तय करेगी, दोनों दिशा दशा सारा कुछ तय करेगी। और ये चुनाव से सारे लोगों को उम्मीद है, जनता को भी उम्मीद है। चलिए तो बहुत उम्मीदें हैं कि ये दोनों सीटें जो हैं आगे दिशा और दशा तय करेंगी। इससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई सरकार के पास अभी बहुमत है, ये दोनों सीटें उसके लिए अभी अभी फिलहाल जरूरत नहीं रखती हैं, उसके जो एक आंकड़ा होना चाहिए बहुमत का उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आरती जी कैसे ये मानती है कि आगे ये दोनों सीट अगर बीजेपी जीतती है तो कैसे झारखंड की दशा और दिशा दोनों बदलेगी? क्या जो दीपक प्रकाश कह रहे थे उस दिशा में भी बीजेपी काम कर रही है? उन्होंने कहा है और कुछ सोचकर ही कहा होगा। और ये तो यानी ऑपरेशन लोटस ये झारखंड में भी तैयारी की जा रही है। आगे के लिए छोड़ दे, अभी इन सब बातों को करने से और करने से भी कोई हमको लगता नहीं है कि फायदा है। ये आगे आगे देखते जाइए होता है। आबाजी खतरे की घंटी है तो कांग्रेस के लिए? बिल्कुल नहीं है साहब, खतरे की घंटी, खतरे की घंटी तो उनके लिए है कि दोनों सीट हमारे झोली में आ रहे। दुमका सीट हेमंत जी ने छोड़ा, हमारे माननीय सीएम साहब ने छोड़ा, तो उनको उनके मुंह देके नहीं मिला था वो सीट। उनके बाबूजी ने बहुत अच्छा काम किया था, लड़ाई लड़ी है, खुद उन्होंने वहां पर काम किया है, तब जाके उनको वो सीट मिली थी। और अगर उन्होंने छोड़ा था तो कुछ सोच समझ के ही तो क्या इस बार भी जनता वंशवाद को स्वीकारेगी, जो आरोप बीजेपी लगाती रही है कि क्यों एक ही परिवार के लोग को टिकट दिया जा रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, वंशवाद क्या इनके पार्टी में नहीं है? इनकार करती है ना बीजेपी। इनकार करने से क्या होगा? बोलिएगा तो हम पूरा लिस्ट लाके दिखा देंगे कहाँ कहाँ वंशवाद है। ये कहने की बात है, ये मुंह झूठा बोल जिसको बोला जाता है ना वो बात है। हमारे यहाँ अगर सक्षम है हमारा बेटा, आशय जी मेरी एक बात मानिए, नहीं बात सुनिए, हम 35 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, मेरा बेटा मेरे साथ रात दिन लगा हुआ है, तो क्या वो सक्षम नहीं, क्या वो उस लायक नहीं है कि उसको टिकट दिया जाए? हम भी तो ये मांग कर सकते हैं, हमारे पार्टी वाले भी यही सोचते हैं। दिखाई दे रहा है और एक ईमानदार कार्यकर्ता जो दिन रात लगा हुआ रहता है, झंडा धोता है, वो कार्यकर्ता कहाँ जाए? आरती जी लंबी लिस्ट है बीजेपी में भी जहाँ वंशवाद नजर आता है। ईमानदारी की बात करें तो आप लुईस मरांडी जी की बात करें, बहुत ईमानदार है कि वो उन्होंने सीट छोड़ दिया, लेकिन आपको भी ध्यान है कि पहले वो चीज सीट लुईस मरांडी जी जीत चुकी है। और दूसरी बात जहां तक कार्यकलापों को देखा जनता ने, आपने तो बरहेट का सीट क्यों नहीं छोड़ा जहां कंफर्म था बसंत सोरेन जीत सकते थे? तो आपने तो खुद भाजपा का सहयोग किया है। आरती जी आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो दुमका में नहीं जीतेंगे? आप अभी से ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो जो दुमका में नहीं जीतेंगे? रिजल्ट आने दीजिए ना, जीतेंगे देख रिजल्ट आने आरती जी। बाबूलाल मरांडी ने भी जेवीएम छोड़कर अब बीजेपी का दामन क्यों थामा? वही तो ये सबके सारे लोग स्वतंत्र हैं और कोई भी कहीं आ जा सकता है, कहीं भी कोई इसमें तो कोई रोक टोक है नहीं, ये तो उनके मन की बात है, उनकी इच्छा की बात है। तो बसंत सोरेन जी अगर वहां चुनाव लड़े छोड़ने का भी तो रोक टोक नहीं है ना, उनकी इच्छा बता रहे हैं कि अगर इतना ही था उनको कि चलो दुमका चुनाव वो जीत चुके थे तो वो सीट छोड़ करके उस सीट को छोड़ करके वहाँ के वहाँ बरहेट में तो कभी बीजेपी आया ही नहीं है। अब दो जगह से तो नहीं रह सकते थे ना, बरहेट ही छोड़ देते हैं, दुमका में रहता तो दुमका छोड़ दिए किसके लिए? हम लोगों के लिए ही तो उन्होंने छोड़ा है। तो फिर वंशवाद तो यही पर खत्म हो गया फिर। हाँ फिर तो यही पर खत्म हो गया, डिस्कशन ही खत्म हो गया, खुद बोल दिया आप तो। अच्छा होगा नहीं होता, लेकिन आखिर तो लड़ तो रहे उनके भाई ही ना, कोई दूसरा आपका जेएमएम का कार्यकर्ता को तो वो लड़ा नहीं रहे। अरे भाई कार्यकर्ता ने मांगा नहीं, उन्होंने उसी को भी तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जय शाह किस हैसियत से हैं? हाँ बताइए, अब टैलेंट बताइए, कौन सा मैच उन्होंने जीता है, क्या टैलेंट था कि जय शाह बीसीसीआई में है? उनके ऊपर होगा, उनका अपना ये होगा कार्य करने का जवाब नहीं दे पाएंगे आरती जी। राजनाथ सिंह है यहाँ पर, यशवंत सिन्हा भले ही बीजेपी छोड़ दिए, जयंत सिन्हा को फॉरन से उठा के यहाँ पर कैसे टिकट मिला,
अनुराग ठाकुर बन गए हैं मंत्री, तो ये सब क्या है, बहुत बहुत एग्जाम्पल है। तो जब वंशवाद की बात बीजेपी कर दी है तो अपने दामन को भी झांक लेना चाहिए। और माननीय बसंत जी के बारे में इन्होंने जो कहा कि वो वंशवाद की बात जो कह रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे, वो जेएमएम के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है और काम करते रहे हैं शुरू से, राज्यसभा के मेंबर के लिए भी वो कर रहे थे, लेकिन भाग जहाँ जाता है वही होता है। हो सकता है उनके किस्मत में विधायक का बनना लिखा हुआ है। तो इसलिए मरांडी जी भी हमारी कार्यकर्ता रही हैं, अनेक पदों पर रहकर पार्टी का काम किया है और पार्टी ने उनके काम को देखकर ही वहाँ उनको टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से वो वहाँ के एक तरह से बिल्कुल, लेकिन जनता ने उनको काम के देख सारा ही निकाला और वो जीतेंगी इतना जरूर हम आपको। चलिए, पिछले चुनाव में तो जनता ने नकारा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इन 10 महीनों में जनता का मिजाज ना बदले, बहुत कुछ हो सकता है। खैर, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि जनता किसे चुन रही है, और लगातार अपडेट्स भी आपको बेरमो और दुमका उपचुनाव पर हम देते रहेंगे, हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ता रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। और आभास सिन्हा और आरती सिंह दोनों हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों अपने अपने पार्टियों से अपना प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनके से हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे बीजेपी से, आरती सिंह जी से। यहां पर आरती सिंह जी, दोनों सीटों को लेकर बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि दोनों सीटें तो हम जीतेंगे और इससे कहीं ना कहीं सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा, क्या ये बात सच आपको लग रहा है? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये बातें जो हो रही हैं, हो सकता नहीं है, होगा ही। और देख लीजिएगा आप, 10 नवंबर को जब हमारा ये रिजल्ट निकलेगा तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी जनता का रुझान देख, उपचुनाव है और जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ी है, तो जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन फिर चाह रही है और जरूर परिवर्तन होगा। कांग्रेस की तरफ से आभास सिन्हा जी हमारे साथ हैं। आभास सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत, आप दोनों का स्वागत नहीं कर पाया क्योंकि लगातार आप दोनों बनी हुई है, लगातार आपकी नजरें उपचुनाव पर है और मतदान प्रतिशत पर ही आप लोगों की नजरें भी हैं। यहां से तो आरती जी ने साफ कर दिया है कि मतदाता जो है वो बीजेपी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। एक बहुत ही सौभाग्य से उन्हें विकल्प मिला, हालांकि दुर्भाग्य इसके पीछे भी है, दिवंगत हुए यहां पर राजेंद्र सिंह जी, लेकिन एक विकल्प मिला यहां पर जनता को। जनता ने जो गलतियां की थी विधानसभा चुनाव में, वो इस बार उस गलतियों में सुधार करने के लिए जनता उत्साहित है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। इसके बाद हम ये बात जो आपने कहा कि उत्साहित है, उत्साहित हम इस माने से भी रखेंगे कि 2014 से लेकर 2019 में जो उन्होंने देखा था तो बदलाव ला दिया था, जनता ने ही लाया। तो आज ये दो उपचुनाव में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव होगी, लेकिन वो महागठबंधन की बदलाव होगी, अब महागठबंधन के पास आएगा वो सीट, दोनों सीट जो है हमारा सीट है और हम लोग, जनता इसलिए उत्साहित है कि हम लोग जिसको नकार दिए अब उसको नहीं लाना है। अच्छा, कांग्रेस या जेएमएम की तरफ से बार बार ये बातें क्यों कही जाती हैं कि जनता ने बीजेपी को खारिज कर दिया है, एनडीए को खारिज कर दिया है, 25 सीटें उनकी भी आई थी विधानसभा चुनाव में? आई थी, स्वाभाविक है, हम भी इससे गुरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता ने देखा कि आपने 4-5 सालों में क्या काम किया, कुछ तो काम के बल पर, कहीं जहां जहां कुछ काम हुआ वहां वहां के लोग जीते उनके, जहां काम नहीं हुआ वहां उन्होंने नकार दिया। आज अगर हम देखेंगे तो हमारा BSNL यहाँ पर काम नहीं कर रहा, वो उन्होंने बेचने केंद्र सरकार के ये में चला गया है, और वो हर जगह, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करे या फिर रेलवे की बात करे, तो आज की जनता बुद्धू नहीं है, सब देख रही है, समझ रही है, और कौन किसको काम देगा ये भी उसको अच्छी तरह पता है, इसलिए ये दोनों सीट जो है वो महागठबंधन के झोली में आएगा। आरती सिंह जी, ये बताइए कि ये तो दावा कर रहे हैं, लेकिन इधर अगर कहें हम तो ये दो सीटों जीतने को लेकर आप भी बहुत उत्साहित है, एनडीए उत्साहित है, दो और जो तमाम जो आपके जो गठबंधन के दल है वो पूरी ताकत झोंक दे चुनाव प्रचार में कि इस सीट को जीतना है हमें हर हाल में, और इस दो सीटों के आधार पर ही आखिर कैसे कहा जा रहा है कि आप सत्ता बदलने जा रहे हैं, चेहरा बदल जाएगा सरकार का? जनता ने हमें इससे पूर्व जो जनादेश दिया था और उस जनादेश के आधार पर हम लोगों ने एक स्थिर सरकार देकर झारखंड का विकास किया, लेकिन ये परिवर्तन की बेला होती है और परिवर्तन जनता भी देखना चाहती थी कि उस जनादेश का हम समर्थन भी करते हैं, लेकिन जो परिवर्तन वो चाहती थी वो इन 10 महीनों में नहीं हो पाया है। तो एक तरह से अब जनता में आक्रोश है, हमारी महिला
महिलाएं, विशेष करके हम महिलाओं के बारे में कहना चाहेंगे, महिलाएं नहीं चाहती है कि अब ये सरकार रहे, क्योंकि इस सरकार में उनकी कोई उनका कोई सम्मान नहीं है, और जिस तरह की घटनाएं प्रतिदिन महिलाओं के साथ घट रही है, तो अब वो परिवर्तन चाह रही है। और जिस तरह से आपके न्यूज 11 से ही पता चला है कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो वोट देने के लिए आई है, और वोट संख्या महिलाओं की ज्यादा है, तो अब महिलाएं भी चाह रही है कि ये परिवर्तन हो। इस उपचुनाव में आप देखेंगे कि जरूर परिवर्तन होगा। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, इसका रिजल्ट तो आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा। महिलाएं उत्साहित इसलिए भी हैं कि उनको दिख रहा है कि हमारा बेरमो क्षेत्र हो चाहे दुमका क्षेत्र हो, वहां विकास का काम कौन करेगा। जो जीता था पिछले 4 सालों में उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपनी झोली भरने का काम किया, अपना आसियाना बनाने का काम किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया। ये दुमका की बात है, लेकिन जहां पर हमारे स्वर्गीय राजेंद्र बाबू जी का देहांत की बात है, तो वहां तो हम लोग को पक्का पता है कि वो सीट हमारा होना ही होना है, क्योंकि राजेंद्र बाबू ने चहुमुखी विकास का काम किया था। आप कहती हैं 10 महीने में जो है वो हमें काम करने का मौका नहीं मिला यहाँ पर, बिल्कुल, लेकिन 10 महीने कोरोना काल था, तो ऐसे में राजेंद्र बाबू जी ने क्या कर दिया 10 महीने में कि अब माफ कीजिएगा, हाँ कि उनके दिवंगत हुए काफी दिन हो गए हैं, कि अब जनता वापस चाहेगी, क्योंकि मुद्दे तो वहां पर है नहीं, क्योंकि नजर नहीं आता हमें वहां पर, कम से कम बेरमो में बात करें तो मुद्दे गौड़ यहाँ पर है, तो यानी सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति के आधार पर कांग्रेस यहाँ जीत का दावा कर रही है? नहीं नहीं, ये सहानुभूति की बात नहीं है, इन्होंने इनको तो ये तो बीमार थे, बीमार में इन्होंने चुनाव लड़ी, उसके पहले ये 6 बार जब विधायक रहे तो क्या इन्होंने काम नहीं किया था? रोड बनाने, हीरक रोड से लेकर के कहां तक, धनबाद तक रोड बनाने का काम किया, आपका हर कॉलेज वहां पर खोलने का काम किया, यहाँ तक कि जो फंड आया था आपका CCL का, उस फंड को उन्होंने महिलाओं के उत्थान में काम करवाया, चंदपुरा में कॉलेज खोला, तो विकास का काम वहां दिखा था। लेकिन बीजेपी के जब 2 बार जो टर्म 5 बार चुनाव लड़े लेकिन 2 बार विधायक रहे, उनके कार्यकाल को भी देखा, आज ऐसा नौबत आया कि आज उनको चुनाव में अपना वोट देने को भी नहीं मिला। लेकिन आखिरी बार राजेंद्र बाबू हार गए थे वहां पर, ये बात भी तो हमने देखा है, करेंगे आरती सिंह से जवाब लेंगे हम इसका, लेकिन फिलहाल हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी विपिन के पास जो इस वक्त बेरमो में है। विपिन, फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर, और उत्साह जो है जो सुबह से नजर आ रहा था, क्या वो उत्साह बना हुआ है, धीरे धीरे जो अब जो मतदाता है उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है बूथों पर? जी देखिए, अंतिम घंटे का मतदान जो है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। इस वक्त मैं बेरमो विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 277 और 278 पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अब तक जो टोटल पोलिंग हुई है, जिस तरह से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 65% से ज़्यादा यहाँ जो है वो पोलिंग हो चुकी है, और सुबह से लगातार मतदाता जो थे इस क्षेत्र के उनके अंदर जागरूकता स्पष्ट तौर पर नजर आ रही थी, और सीधे सब काम छोड़ लोगों ने यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो चारों तरफ से जो बेरमो में कुल जो 468 बूथ बनाए गए हैं, हर जगह से यही मैसेज आ रहा है कि हर जगह वोटर जो है वो उत्साहित और खुलकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब अंतिम 40-45 मिनट का समय बचा है वोटर्स के पास, और वो अभी भी जो है अपने अपने बूथ पर जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो निकलकर जा रहे हैं, अपने वोटिंग का प्रयोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो एक ओवरऑल यहाँ पर औसत समझ में आ रहा है कि संभावना है कि 65%+ जो होगा यहाँ पर इस उपचुनाव में वो वोटिंग जो है वो दर्ज किया जा सकता है। विपिन, बहुत 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 बड़ा आंकड़ा है ये 65%, अगर अभी 65% है तो निश्चित तौर पर ये 70 के पार जा रहा है, और ये आंकड़ा फिर बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि इसके बाद आप आकलन नहीं कर पाएंगे कि इस आंकड़े बढ़ने को मतलब हम क्या समझे, क्या यहाँ पर कौन रिपीट करेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है विपिन, क्योंकि जो मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा होते जा रहा है धीरे धीरे, जो अमूमन यहाँ पर होना नहीं चाहता, उपचुनाव के लिहाज से तो बिल्कुल नहीं हो सकता था लेकिन हो रहा है, क्या समझा जा सकता है इसे? जिसके अक्सर यहाँ पर ये लगभग औसत यही रहा है, जब यहाँ चुनाव हुए हैं, आम चुनाव या फिर उपचुनाव जब इस बार हो रहा है, तो इसी तरह का माहौल देखने को मिला है। मतदाता यहाँ के जागरूक है, और इसके ये मायने कहीं से नहीं निकलते हैं कि ज़्यादा प्रतिशत हो रहा है तो इससे किसी तरह की कुछ चीज़ें जो परिस्थितियाँ हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। दिलचस्प मुकाबला जरूर यहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से और जिन परिस्थितियों के बीच में यहाँ बेरमो में उपचुनाव हो रहा है वो भी एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा रहा है। और जहाँ जिला प्रशासन की बात करें, चुनाव आयोग के जो गाइडलाइंस थे उसका हर जगह पालन लगातार देखने को मिला, जो भी मतदाता अपने अपने बूथ पे जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए उन्हें तमाम जो सुविधाएं यहां पर वोट करने के लिए, चाहे वो मास्क की बात करें, हैंड ग्लव्स की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, तो COVID-19 के प्रकोप से बचने को लेकर भी जागरूकता दिखी है। मतदाता जो यहां पर आए उनके अंदर खुद से जागरूकता नजर आई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला है। तब से कुछ मिनटों का वक्त ही
हम कहेंगे कि बेरमो में सुबह 7 से 4 बजे तक का समय निर्धारित था, तो 4 बजे वो वोटिंग की प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी, उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब तक शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव बेरमो विधानसभा क्षेत्र में संपन्न होता नजर आ रहा है, कहीं से किसी तरह की कोई छिटपुट घटना की खबर भी नहीं आई है। ये एक बड़ी राहत की बात है कि शांतिपूर्वक तरीके से जिस तरह से 2019 के आम चुनाव में यहाँ पर पोलिंग हुए थे, ठीक उसी तरह से अब तक जो है बेरमो में शांतिपूर्वक तरीके से उपचुनाव की प्रक्रिया जो है जारी है। बिल्कुल विपिन, शांतिपूर्ण तरीके से प्रक्रिया चल रही है और मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ा। आरती सिंह जी, खुश होने की वजह मिल गई क्या आप लोगों को? हो रहा था तो पता चला वहाँ पानी की समस्या, तो समस्या है भी और जो काम हुए हैं वो उनके बीच के कुछ लोगों का ही हुआ होगा, सारे लोगों का काम हुआ ऐसा हम कतई नहीं मानते हैं। और जैसा कि उनके बेटे अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो अभी रिजल्ट बाकी है, तो ज्यादा कहेंगे तो फिर बोलेंगे इतना उत्साहित होकर क्यों कह रहे हैं, इसलिए समय का इंतजार करना ठीक रहे। बिल्कुल आबाजी जी, उपचुनाव है, बावजूद जनता में उत्साह है, मतलब क्या है ये? कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है, गठबंधन के लिए शुभ संकेत आपको लग रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता, जब पब्लिक में आम जनता में जागरूकता है तभी इतना तादाद में लोग निकल रहे हैं और उत्साहित तो होंगे ही, क्योंकि वहां पर बदलाव के बयार आ रही है, लोगों को गठबंधन की सरकार दिख रही है कि जो अच्छा काम करने वाले गठबंधन की सरकार है, तो फिर हम इनको क्यों न दे। सुबह से ही आप देख रहे हैं महिलाएं छूट के आ रही है, तो महिलाओं को भरोसा है गठबंधन सरकार पे और ये तादाद बता रहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। विपिन भी हमारे साथ बने, विपिन आरती जी हैं बीजेपी से और आभा सिन्हा जी यहाँ पर हैं कांग्रेस से, और दोनों का यही दावा है कि जो मतदान के बढ़ते आंकड़े हैं वो दोनों के लिए मुफीद है, यानी कि दोनों ही अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आप ग्राउंड पर हैं तो ये बताइए कि मतदाता जो वहां पर पहुंचे हैं उनमें किस वर्ग के लोग ज्यादा है? मुझे लगता है कि युवाओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से ही शायद मतदान प्रतिशत बढ़ा है और जागरूकता जिस तरीके से चुनावों की तरफ से लगातार लोगों के बीच फैलाया जा रहा है, जागरूकता उन्हें जागरूक किया जा रहा है, तो क्या युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा, युवा अगर है तो ये बीजेपी के लिए चिंता वाली बात हो सकती है, क्योंकि उनके उम्मीदवार किस उम्र के पड़ाव पर है वो सब देख रहे हैं। ये देखिए, हर वर्ग का मतदाता जो है यहाँ पर बेरमो उपचुनाव में वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आया, चाहे वो युवा वर्ग हो। बिल्कुल विपिन, विपिन आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त का अपडेट हम आप बता दे रहे हैं, 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है वो 56.30% है और दुमका में 59.10% उपचुनाव का जो वोट आधिकारिक, हालांकि विपिन ने इसको संशोधित करते बताया कि करीब करीब 64-65 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन आधिकारिक जो अपडेट है 3 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो दुमका में 59.10% और बेरमो में 56.30% का है, यानी कि ये मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। और विपिन, तो हम पूछ रहे थे इसी मतदान प्रतिशत को लेकर कि दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर मतदान प्रतिशत उपचुनाव के बावजूद, कोरोना संक्रमण के बावजूद बढ़ रहा है तो वो उनके लिए एक अच्छा संकेत है मतदाताओं की तरफ से, दोनों ही पक्ष बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और दोनों की जो आरती सिंह और आभा सिन्हा जो हमारे साथ बैठी है दोनों, उनका यह कहना है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं विपिन? देखिए, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर है कि इस COVID-19 के प्रकोप के बाद भी, और जिस तरह से मैंने बताया था मैं जिस बूथ में हूँ वहाँ पर अभी 65% तक मतदान हो गया, और जो औसत जो एक आंकलन हम कर पा रहे हैं जिस तरह से 3 बजे तक के लिए 56% मतदान बेरमो में हो चुका है, तो हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि 4 बजे तक जब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी तो ये मार्जिन, ये जो आंकड़ा होगा वोटिंग परसेंटेज का, वो 60% से बढ़ सकता है। तो स्पष्ट तौर पर जिस तरह से हर घंटे में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है सुबह से, और अब जब 56% तक मतदान 3 बजे तक हो चुका है और अंतिम घंटे का मतदान जारी है और अभी भी लगातार मतदाता जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए विभिन्न बूथ पर आ रहे हैं। जहां तक दावों की बात करें, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के लोग हैं, सब कोई अपना दावा जरूर करेगा चुनावी मैदान में उतरने के बाद, राजनीतिक दल की तरफ से दावे लगातार सुनाई देते हैं, लेकिन 10 तारीख को जब मतगणना होगी, 10 तारीख को चुनाव परिणाम जब आएगा, तब वो स्पष्ट हो जाएगा कि बेरमो की जनता
ने इस उपचुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोट किया, किसको अपना जनप्रतिनिधि चुना, लेकिन फिलहाल जरूर है कि ये चाहे बीजेपी के लोग हों या फिर कांग्रेस के लोग हों, इनके लिए एक ये खुश करने वाली बात हो सकती है कि वोटिंग का परसेंटेज जो जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है, अपने अपने तर्क सबके होंगे, लेकिन आज बारी जो है वो मतदाताओं की है, यहाँ की जो जागरूक जनता है उसकी बारी है। और ये अभी से कुछ मिनट के बाद जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, पोलिंग की प्रक्रिया, तब ये तय हो चुका होगा कि यहाँ का नया विधायक कौन होगा, जो रांची में विधानसभा के अंदर इस क्षेत्र की बातों को उठाएगा, सरकार की योजनाओं को इस क्षेत्र तक लाएगा। लेकिन परिणाम के लिए हमें 10 तारीख तक का इंतजार करना होगा। मुकाबला काफी दिलचस्प था, एनडीए और यूपीए ने पूरी तरह से ताकत झोंक रखी थी, तभी सभी जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें, सभी ने यहाँ पर वोट मांगा है जनता से। आकर आज उसी जनता की बारी है, उन मतदाताओं की बारी है जो आज सुबह से घर से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर इस उपचुनाव में कर रहे हैं। बिल्कुल विपिन, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। और सबसे अच्छी बात आपने जो बताई कि बेरमो के जो मतदाता है बहुत ही जागरूक है और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते बराबर करते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो जाए, विधानसभा चुनाव हो जाए, फिर उपचुनावी क्यों ना हो जाए। आरती जी, क्या आपको यहाँ पर नहीं लगता कि बेरमो में जिस तरीके से मतदान हुआ है और ये मतदान प्रतिशत तभी बढ़ता है जब नए युवा वोटर्स मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं, और यहां पर अगर आप देखें तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं कुमार जयमंगल सिंह यानी अनूप सिंह, वो युवा हैं, तो ऐसे में क्या मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाते तो नजर नहीं आ रहे आपके समक्ष? ऐसी कोई बात नहीं है, नए युवा है और नया वोट देने जा रहे हैं, इसका उत्साह अलग दिख रहा है। और देखिए अभी सारे युवा जागरूक हो चुके हैं, और जिस तरह से केंद्र की सरकार चल रही है और पूर्व में हमारी राज्य सरकार चली है, और जिस तरह से हमारे यहाँ योजनाओं की बौछावर हुई थी, उसमें उसको देखते हुए ये लगता है कि युवा भी हैं आज जागरूक हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति इच्छा है कि वोट दे, और उसी इच्छा शक्ति से वो वहां पर वोट देने जा रहे हैं। लेकिन आरती जी, ये उपचुनाव है और इसमें जो है यहाँ लोकसभा या केंद्र से जुड़े मुद्दे तो मान के चल भूल जाइए, यहाँ तक कि जो विधानसभा चुनाव के मुद्दे होते हैं वो यहाँ पर लगभग गौण नजर आते हैं। तो ये ऐसे प्रतिनिधि उपचुनाव में या विधानसभा चुनाव में चुने जाते हैं जो आमतौर पर ये लोग कनेक्ट कर सके उनके साथ, तो यहाँ पर कम से कम जो है हमें लग रहा है कि यहाँ पे मनोवैज्ञानिक बढ़त एक बना चुके हैं कुमार जयमंगल सिंह, क्योंकि लोग चाहते हैं कि प्रतिनिधि हमारा थोड़ा यंग हो, नए जनरेशन का हो, नई चीजों को समझे और जनता के साथ वो सीधे जुड़े, इंटरेक्ट करे, और युवा मतदाता तो खासतौर से चाहेंगे। ये जनता का जनादेश होगा और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती है हम इसे कैसे मानेंगे, तो जब तक हम 10 तारीख तक इंतजार तो करना ही होगा और देखना होगा कि किसका रुझान किस ओर था। बिल्कुल आते जी, दुमका से चले जाले, दुमका से राकेश हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर मतदान प्रतिशत जिस तरह से बेरमो में लगातार बढ़ रहा है, दुमका में जो गति थोड़ी धीमी नजर आ रही है, क्या मतदान केंद्रों पर मतदाता है या फिर उनको लग रहा है कि चूंकि हमें 5 बजे तक करना है तो आराम से अभी जो है वो निकल रहे हैं घर से और पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल पंकज, देखिए अभी 1.5 घंटे का समय बचा हुआ है और उम्मीद करनी चाहिए कि पिछले बार का जो रिकॉर्ड है उससे इस बार जो रिकॉर्ड है वो नया बनेगा। हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ी जरूर, हेलो जी, आप कहें, हेलो राकेश, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास, आप कहें अपनी बात। तो राकेश से हम संपर्क करने की दोबारा कोशिश करते हैं। दुमका में एक नया जो है आंकड़ा देखने को मिलेगा, राकेश जो हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं, मौजूद हैं, वो बता रहे हमें। तो क्या ये जो आप आंकड़े हैं अगर दुमका में बढ़ते हैं तो किस तरीके से आप उसको देखेंगे आवासना जी? देखिए, जनादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत झारखंड में जो गठबंधन की सरकार बनी, लोगों ने उस पर भरोसा किया तभी बनी, और आज भी अगर ये सीट है दुमका की सीट, हमने जीता हुआ था लेकिन कुछ प्रक्रिया होती है जिसके तहत सीएम साहब को वो सीट छोड़ना पड़ा, और वहाँ पर जो जिसको दिया वो उनके भाई हैं, लोग कहते वंशवाद की बात करते, लेकिन हम यहाँ पर उनको युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष है उनको दिया गया, वो भी एकदम जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, तो अगर उनको काम करने का मौका मिला है और वो करते भी आ रहे हैं, भाई के जगह में उन्होंने काम किया वहाँ पे, विकास की गति को उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो युवा वर्ग देख रहा है। और सच कहा आरती जी ने, रिजल्ट तो सही में 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन युवाओं में जो जागरूकता और उत्साह बढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हेमंत जी के कारण हुई जो कि सीएम।
राकेश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो जरा स्थिति वहां की बताइए, जो मतदाताओं का उत्साह है वो कहां पर पहुंचा हुआ है? आपने कहा कि आंकड़े इस बार इतिहास दर्ज करा सकते हैं इस बार यहां पर, क्योंकि जो वोटिंग परसेंट है वो थोड़ा ज्यादा इस बार नजर आ रहा है, तो फिलहाल स्थिति क्या है मतदान केंद्रों पर, किस तरह की भीड़ नजर आ रही है आपको वहां? देखिए, जहां मैं मौजूद हूं पंकज, वहां उतनी भीड़ नहीं है, ये शहर का इलाका है लिहाजा ज्यादातर लोगों ने पहले ही अपना वोट कास्ट कर लिया। हालांकि डेढ़ घंटे का समय पंकज देखिए बचा हुआ है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो लोग अब तक मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं या किन्हीं कारणों से छूट गए हैं वो भी मतदान केंद्रों तक आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। बहुमूल वोट दुमका के बदलाव के लिए, दुमका के विकास के लिए वो जरूर करेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और न्यूज 11 के माध्यम से हम दुमका के लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि वैसे लोग जो अब तक अपना वोट कास्ट नहीं किए हैं वो घरों से निकले वोट कास्ट करें। तो फिलहाल सन्नाटा है एक तरीके से, और कुछ इक्के दुक्के जो वोटर्स हैं जो अब तक नहीं पहुंच पाए वो जरूर आ रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति शहर के तमाम मतदान केंद्रों की है पंकज। और गांव की अगर बात करें, अगर मसलिया प्रखंड की बात करें, तो वहां भी कमोबेश यही स्थिति है। सुबह के वक्त में बहुत रश था, क्राउड बड़ी थी, कतारें लंबी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया लोग जो थे वो घरों से निकलना थोड़ा कम हो गया उनका। और मैं चूंकि दिन भर मसलिया प्रखंड में ही रहा तो मैं वहाँ की ज़्यादातर आपको तस्वीरों से आपको रूबरू कराऊंगा। मैंने देखा कि वहाँ तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बाद जो लोगों की जो स्थिति थी वो बूथों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और ज़्यादातर लोगों ने अपना जो वोट कास्ट है वो सुबह के वक्त ही कर लिया था। गाँव की एक अपनी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे काम होते हैं लोगों को, ग्रामीणों को खेत भी जाना होता है, वहाँ तर कई तरह के काम होते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि 3 बजे के बाद जब वो लौट के आएंगे, और अभी चूंकि 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है पंकज, तो उम्मीद करनी चाहिए कि थोड़ा और परसेंटेज बढ़ेगा। पिछले बार के आंकड़ों की अगर बात करें पंकज, तो तकरीबन 65% के आसपास वोटकास्ट हुए थे 2019 में। वहीं अगर मसलिया प्रखंड की बात करें तो वहां तकरीबन ये आंकड़ा 70% के आसपास था। और इस बार जो ऑफिशियली आंकड़ा अभी तक के हैं, यानी 3 बजे का जो आंकड़ा आया है पंकज, उसके मुताबिक 60% वोटकास्ट पूरे दुमका में हो चुके हैं और 70% के आसपास मसलिया में जो है वोटकास्ट हो चुका है। थोड़ा वक्त बचा है, उम्मीद करनी चाहिए कि 2-4% में और इजाफा होगा। और चूंकि ये पैंडेमिक का समय था और जिला प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती थी इस बार चुनाव कराना, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने मेहनत की, उनके जो अधिकारी थे, उनके जो कर्मचारी थे, लगातार 1.5-2 महीने से एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका ये परिणाम हुआ कि ये जो वोटिंग परसेंटेज रहा ये कहीं ज्यादा संतोषजनक आप कह सकते हैं इसे, ये रहा 60% को हम बहुत अच्छा मानक मानते हैं। बिल्कुल, तो उस लिहाज से देखें तो बेहतर प्रदर्शन आप कह सकते हैं दुमका का रहा है वोटिंग परसेंटेज के मामले में। और तमाम तरह के गाइडलाइन, तमाम तरह के प्रिकॉशंस जो मेजर्स करने की बात चुनाव आयोग की तरफ से इस पैंडेमिक चुनाव को लेकर जो निर्देश दिया गया था उसका सख्ती से पालन भी हमने देखा तमाम बूथों पर पंकज। हर जगह सर्कल्स बनाए गए थे, 2 गज की दूरी रखी गई थी वोटरों के बीच, वोटर जैसे ही वोटर मतदान केंद्र तक पहुंचे उनका सैनिटाइज किया गया, जिनके पास मास्क नहीं था उनको मास्क अवेलेबल कराया गया, फेस शील्ड दिया गया, इसके अलावा उनको उनके टेम्परेचर भी नापे गए। तो वो तमाम प्रोटोकॉल्स, तमाम प्रिकॉशंस मेजर्स किए गए हैं। ग्रामीण जगहों में भी इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिला, वहाँ भी प्रशासन के लोग, वहाँ भी जो जिला प्रशासन वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। और पहली कोशिश यही की गई जो मतदान कराने वाले आए वो भी सुरक्षित रहे, जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे वो भी सुरक्षित रहे। तो ये चीज़ें इस चुनाव में देखने को मिला पंकज, और यही वजह रही कि जो वोटिंग का जो परसेंटेज अब तक है वो संतोषजनक है। और उम्मीद करनी चाहिए कि अब से जो थोड़े 1-1.5 घंटे का जो समय शेष रह गया है उसमें थोड़ा और लोग जो छूट चुके हैं जो अब तक वोट संतोषजनक करें, लेकिन ये आंकड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि एक तो चुनाव है, ऊपर से कोरोना काल है और उसमें प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हुई है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, उसके बाद मतदान प्रदर्शन बढ़ता है, तो बहुत ही अच्छी खबर है लोकतंत्र के लिए, बहुत अच्छी खबर है कि लोग अब जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। विपिन, आपके पास हम आते हैं यहां पर, आपने यहां पर दिखाया कि किस तरीके से जो वोटर्स है यहां भी जागरूक है बहुत ज्यादा, लेकिन दुमका से खबर आई कि जो ग्रामीण इलाका है वहां पे कमोबेश थोड़े से वोटर्स अभी निकल नहीं पाए, शायद क्योंकि वो अभी धान की कटाई वगैरह चल रही है उसकी वजह से वो थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, और हो सकता है जो शाम में 5 बजे तक जो है वो आंकड़े थोड़े और बढ़े। यहां पर अगर बेरमो की यहां बात कर लें तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीज यहां पर की गई थी, जो मुद्दे थे जो अपील करते हैं जनता को वो कौन कौन से मुद्दे कमोबेश रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो राजेंद्र बाबू के नाम पर ये जो चुनाव है वो
कुमार गौरव लड़ रहे हैं यहाँ पर, माफ कीजिए कुमार अनूप सिंह लड़ रहे हैं यहाँ पर। जी देखिए, जिस तरह से कई विभिन्न मुद्दों को लेकर उस उपचुनाव में बातें उभर कर आई, चाहे वो बात बीते 5 वर्षों तक का जो कार्यकाल था स्थानीय विधायक का उसकी बात करें, या फिर 6 बार जो प्रतिनिधित्व यहाँ से राजेंद्र बाबू ने भी बिहार और झारखंड विधानसभा किया था उनकी बात करें, या फिर राज्य की सरकार ने जो काम अभी बीते 9 महीनों में किया है उसको कर ले, या फिर जो पहले की योजनाएं बनकर बंद पड़ी है उसको शुरू नहीं किया जा सका है उसकी बात करें, तो ये तमाम मुद्दे जो थे इस उपचुनाव में यहाँ पर गंभीरतापूर्वक उठाए गए। चाहे बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर सरकार की विफलता को आधार बनाकर यहाँ पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारा और लगातार सरकार और यहाँ के उम्मीदवार पर भी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाते गए। वही जो कांग्रेस का पक्ष रहा इधर से, ये लोग लगातार, इन लोगों का कहना था कि जो 6 बार का प्रतिनिधित्व यहाँ रहा इस सीट पर उसमें जो काम हुआ, या फिर राज्य की सरकार ने बीते 9-10 महीने में जो काम किया है, चाहे वो लॉकडाउन की अवधि की बात करें या मजदूरों को बाहर से वापस लाने की बात करें, तो ये तमाम मुद्दे जो थे इस उपचुनाव में यहाँ पर सुनाई दिए। और अब अंतिम आधा घंटा बचा हुआ है और इस आधा घंटा की वोटिंग प्रक्रिया के बाद चुनाव जो है यहाँ पर संपन्न होगा और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसके बाद सबको इंतजार होगा 10 तारीख का। लेकिन इतना जरूर है कि जितने शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव प्रचार हुआ और आज चुनाव संपन्न हो रहा है वो अपने आप में एक बेहतर संकेत है कि अब लोगों के अंदर कितनी जागरूकता आई है या फिर लोग चुनाव के अहमियत को कितना समझ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से अपने पूरी जानकारी दी और हम आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल के आपको शुक्रिया हम कहते हैं, ताकि हम बाकी अपने जो दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं या फिर दुमका से लाकर उनसे चर्चा कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें आपको कि दुमका बेरमो दोनों जगह उपचुनाव अभी हो रहे हैं, मतदान जो है वो चल रहा है और 4 बजे तक ही बेरमो में, यानी कि सिर्फ आधा घंटा के आसपास जो है वक्त वो रह गया है मतदान के लिए बेरमो में। दुमका में हालांकि 1.5 घंटे अभी भी है, 5 बजे तक वहां मतदान हो रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं और आंकड़े जो है बहुत अच्छे जो है वो संकेत दे रहे हैं, बहुत अच्छे इशारा कर रहे हैं, कम से कम जनता की नजर से देखें तो ये कहते हैं कि मतदाता जो है वो जागरूक हुए हैं और ये इसको लेकर चुनाव आयोग और जो प्रशासन जिला प्रशासन वो बहुत ही उनके शुक्रगुजार है, पूरी दुनिया पूरे जो हम तमाम जो दर्शक हैं और साथ में जो तमाम जो पार्टियां हैं वो भी शुक्रगुजार हैं कि आपकी मेहनत और आपकी बदौलत आपकी जागरूकता की वजह से मतदान का प्रतिशत इतना बढ़ा है। और ये पूरी दुनिया हमें देख रही होगी इस वक्त कि हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं तो किस तरीके से मतदाता अपने घर से निकलते हैं, वोट करते हैं और अपने लिए एक नया कल गढ़ते हैं। आरती सिंह जी से हम सीधे सवाल करते हैं यहाँ पर कि हम जब बात करते हैं दुमका और बेरमो से अपने सहयोगियों के जरिए और वहां के हालात देख रहे, तस्वीरें देख रहे थे, उससे पहले आवास सिन्हा जी ने कहा यहाँ पर कि बीजेपी की तरफ से बेवजह आरोप लगाया जाता है वंशवाद का, परिवारवाद का, जबकि बीजेपी में भी ऐसी कोई कमी कहीं नजर नहीं आती, बहुत सारे वहां भी इस तरह के उदाहरण छुपे हुए हैं, तो इस पर क्या जवाब आपका रहेगा? बीजेपी के पास भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बीजेपी में देखने को मिलते हैं, चाहे वो रमन सिंह के बेटे अभिषेक हो जाए सांसद थे, वो राजनाथ सिंह के बेटे आप पंकज सिंह को देख लीजिए वो विधायक हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको लगातार। रविंद्र पांडे के बेटे को भी यहाँ पर चुनाव जो है वो मिला था सीट, उन्हें भी टिकट मिला था, तो उदाहरण में कमी बीजेपी में भी नहीं है, तो आखिर किस आधार पर सिर्फ और सिर्फ वंशवाद और परिवारवाद का आरोप जो है वो जेएमएम पे या कांग्रेस पर बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है? देखिए, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है और इस पर पार्टी सब कुछ सोच समझ कर विचार करके ऐसा करते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा होता है ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। एक छोटे से सोचिए, एक छोटे से एक चाय बेचने वाले, सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक चाय बेचने वाले व्यक्ति अपने कर्मठता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़े और पार्टी में भी उन्होंने अनेकों दायित्वों को निभाते हुए मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे और अभी प्रधानमंत्री भी रहे, तो वो एक कार्यकर्ता थे। उसी तरह से आप योगी जी को देखिए, कहीं भी किसी को भी आप नजर दौड़ा लीजिए, हमारे झारखंड में ही देखिए अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, तो आप नीचे से भी आप देखिएगा तो प्रत्येक कार्यकर्ता को यहाँ अवसर मिलता है, बस ईमानदारी पूर्वक काम करने की जरूरत पड़ती है। और हमेशा वंशवाद इसलिए कहा जाता है कि आप देखिए कि जेएमएम के जो अध्यक्ष होते हैं वो सिर्फ उन्हीं के परिवार के लोग रहते हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर में आप देख लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक एक कार्यकर्ता को ये लोग बनाने का ये लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो ये सब देखने वाली बात है और सुनने और समझने वाली बात है।
अवा सिन्हा जी, इस आरोप पे कम से कम आप कटाक्ष नहीं कर पाएंगे बीजेपी पर। ठीक है, तमाम ऐसे उदाहरण बीजेपी में हैं, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व होता है किसी पार्टी का, उसमें जो बात की जाती है वंशवाद की, वो बात में कभी कभी बीजेपी में दम है, वो बात में है बीजेपी जो बार बार कहती है। अब देख लीजिए क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, चाहे वो जेएमएम हो जाए या फिर आरजेडी हो जाए या तमाम जो पार्टियां हो जाए, बसपा हो जाए, सपा हो जाए, बहुत जगह, हर जगह जो है परिवारवाद है। तो क्या कांग्रेस तो लेकिन बड़ी पार्टी है, कांग्रेस में ऐसा क्यों लगातार होते रहता है? किसी भी पार्टी में अध्यक्ष पोस्ट जो होता है वो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होता है। पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं और सभी लोग AICC मेंबर भी लोग हैं, तो जो हम चुन के देते हैं, जिनको हम चुनेंगे वही तो बनेंगे। सोनिया जी खुद अपने मर्जी से नहीं बन जाती, राहुल जी खुद अपने मर्जी से नहीं बनते। आम पब्लिक का जो रुझान होता है या आम कार्यकर्ताओं का, जो हमारे ग्रामीण इलाकों में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं, उनका जो रुझान होता है उसको लेकर के हम लोग वोटिंग करते हैं, AICC मेंबर लोग वोटिंग करते हैं, तब जाके चुनाव प्रक्रिया में वो अध्यक्ष बन के आते हैं। तो इसका कुछ लेकिन बनते तो निर्विरोध ही हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं क्यों, क्या कोई अपने तरफ से चुनौती पेश क्यों नहीं करता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल जो बीजेपी तरफ से होता है। ये तो कार्यकर्ताओं से जानना चाहिए, हमारे अगर दिल में अगर कोई बात होगी तो आप हमसे पूछिएगा तो हम अपनी बात बताएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को कोई नजर ही नहीं आता उनके जैसा। ये इंदिरा जी के टाइम से चला रहा है, नेहरू जी के टाइम से चला रहा है कि हम लोग उनके परिवार के अलावा कोई दिखता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें? हमारे दिल में उनके प्रति श्रद्धा है, हम उनको अध्यक्ष मानते हैं और वो रहेंगे। ये तो सोचने की बात है, इसमें किसी को तकलीफ लगने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आती जी, बात तो सही है। अगर ये मान रहे हैं कार्यकर्ता, मानते नेता, मानते कि हमारा केंद्रीय तो जो है जो मौजूद है उसमें हम उसका सम्मान करते हैं, हमें भरोसा है, तो दिक्कत क्या बीजेपी को इसमें? बीजेपी भी बनाए, बीजेपी भी परिवारवाद करे, इसमें दिक्कत कहाँ है? कहाँ दिक्कत है, हम तो नहीं बोलने जाते कि आप वंशवाद कर रहे हैं। कितने लोग हैं इनके, अभी हजारीबाग का तो आप नाम ही भूल गए, यशवंत सिन्हा का नाम आपने भूल गए। हम तो बोले कि कहीं कहीं ऐसा ऑप्शन आता है तो किया जाता है, लेकिन आप देख लीजिए कि हर कार्यकर्ता को यहाँ अवसर मिलता तो क्या भारतीय जनता पार्टी में, यानी कि सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं तब सारे कार्यकर्ताओं को अवसर मिल रहा है, और इनके यहाँ सिर्फ एक ही दो लोग हैं जो अच्छे कार्यकर्ता हैं जिनको कि अध्यक्ष पद चाहिए, तो बाकी सब बेकार है। ये कार्यकर्ताओं का सवाल ये नहीं, अगर कोई अच्छा है इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरा बुरा होता है। आरती जी ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन जो बहुत अच्छा होता है और उस पर भरोसा होता है लोगों को, इसलिए उस पर भरोसा किया जाता है। आप एक बार कोई बोलना भी चाहता है तो उसको दरकिनार ये लोग कर देते हैं। ऐसा नहीं, एक बार आप बोलिए तो कि जिसको बनना है आइए हम बनाते, एक बार शुरुआत तो करें तो क्यों नहीं बनेंगे? बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, ऐसा नहीं है जी। अपनी पार्टी का हर लोग का प्रोटोकॉल होता है, हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल जो कहा हम लोगों ने किया, ऐसा नहीं होता है। वो अध्यक्ष अपने मर्जी से नहीं बनते हैं, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारा वो अपने मर्जी से नहीं बन सकते जब तक कि उनको पूरा वोट नहीं मिलेगा। अब वोटर के लिए AICC मेंबर होते हैं, वो वोटिंग करते हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को कहां से कहां ले जाया जाता है कि वंशवाद है, वंशवाद है। आप में कहां कहां वंशवाद, आप बता रहे थे जब आंकड़ा, उसमें हजारीबाग का आप नाम भूल गए, यशवंत सिन्हा उनके बेटे हैं, तो क्या ये वंशवाद नहीं है? हम नहीं मान सकते क्या उसको वंशवाद? लेकिन हम लोग बोलते नहीं। लेकिन नेतृत्व की बात जब होती है, नेतृत्व की बात है, आलाकमान जो होता है वो तो एक ही परिवार से आ रहा है, इसमें बीजेपी की तरफ से कोई गलत तो नहीं कहा जा रहा, कहा तो सही जा रहा है कि ये चीज तो है और इस चीज को आप खारिज नहीं कर सकती। हम खारिज नहीं करेंगे इसलिए कि हमारे कार्यकर्ताओं के सभी के मन में है कि राहुल जी बने और सोनिया जी बने, तो हम उसको कैसे खारिज करेंगे? हम खारिज नहीं कर सकते। हमारे नेता अगर होंगे कोई तो वो सोनिया जी होंगे, प्रियंका जी होंगे या फिर राहुल जी खुद होंगे। उनको अगर खारिज कर देगा तो लोग चुनने वाले बहुत लोग हैं, चुनाव आए मैदान में आके खड़े हो जाए, बोले कि हाँ, कोई तो नहीं बोलता है ना आगे आकर कि हम बनना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र, हमें भी तो लोकतंत्र है, ये जाहिर सी बात है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। इसका मतलब तो हुआ बीजेपी की तरफ से क्यों आरती जी ऐसा कहा जा रहा है, लोकतंत्र हुआ पार्टी में ना, कांग्रेस में भी अगर वो खड़े हो रहे हैं और दूसरा कोई उन्हें अगर नहीं दे रहा है, क्या डर तो नहीं है कोई उसमें? लोकतंत्र है तो इसका मतलब, लोकतंत्र है तो फिर इसमें एक ही परिवार के लोग, लोकतंत्र में सबको खड़े होते हैं ना आरती जी, वो चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, कोई दूसरे अगर चुनौती पेश नहीं कर रहा है तो क्या वो जबरदस्ती खड़े करे लोगों को कि आप हमें खड़े करें, जैसे कि चुनाव में निर्दलीय को खड़ा किया जाता है हमेशा? नहीं, मतलब हम बीमार नहीं है, हम जबरदस्ती बीमार बन के जाके घर में घुस जाए कि हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। सोनिया जी इतना बीमार होने के बाद भी लोगों ने सोनिया जी को नहीं छोड़ा, हमारी श्रद्धा है उनके प्रति, लेकिन आम पब्लिक को यह समझ में नहीं आता ये सब बात, तो आम पब्लिक को समझाने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन लाभा जी, इस बात से तो इनकार आप नहीं कर सकती कि दुमका हो या बेरमो, दोनों जगह किसी तरह का मुद्दा है नहीं, ये तो मानते हैं, कोई स्थानीय मुद्दे नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये साख की लड़ाई है, कहीं सहानुभूति है तो कहीं साख की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। नहीं, बेरमो के लिए हम आपको बोलना चाहेंगे, वहां सहानुभूति तो अलग बात है,
राजेंद्र बाबू का काम इतना था विगत जब वो विधायक रहे 6 साल तक 6 बार, तो उनके कामों को देखते हुए ऐसा नहीं कह सकते कि मुद्दा नहीं है, मुद्दा है। और उसी मुद्दाओं को लेकर के वो चाहते हैं कि अनु बाबू वहां विधायक बने। जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया था खत्म करने की प्रक्रिया थी, लेकिन वो बीमार पड़ गए, बहुत मतलब ज्यादा बीमार पड़ गए थे, तभी अनु बाबू उनके साथ साथ चल रहे थे। उस समय वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, सारा काम वो देखभाल कर रहे थे। हम लोग के दिमाग में ये भी बात है कि जो सीट अनु बाबू जीत के लाएंगे वो दूसरा नहीं ला सकता था वहां पे, और किसी ने मांगा भी नहीं, किसी ने मांगा भी नहीं। जब जहां राजेंद्र बाबू की बात आएगी तो किसी को इतना नहीं था कि हम जाकर के टिकट मांगे, किसी ने नहीं मांगा, स्वाभाविक था कि उनको टिकट मिलना था। इसमें वंशवाद की बात कहां से आ गई, बरहेट की अगर बात दुमका की बात अगर हम करें, दुमका सीट सीएम साहब ने छोड़ दिया था, बसंत बाबू वहां पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष है जेएमएम के, वहां उन्होंने अपने भाई को सीट को देखते हुए, चूंकि कार्यकर्ता नाराज ना हो उन्होंने लगातार काम किया 10 महीनों से बसंत जी वही है और काम करते आ रहे हैं, विकास की गति को तेज करने का काम किया। ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने 10 महीना में आसियाना बिल्डिंग खड़ा कर लिया जैसे कि लुईस मरांडी जी ने खड़ा कर लिया था 4 साल में, ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक था कि उनको टिकट मिलना था, और पब्लिक आम जनता मांग रही है उनको, तभी सीएम साहब ने उनको टिकट दिया। लेकिन इसमें अगर आरती जी की बात हम करें, बीजेपी की तरफ से बात करें, तो वो जो आरोप लगा रहे हो तो बिल्कुल सही हुआ ना एक तरीके से, आप कह रहे कि देखिए लोकतंत्र पार्टी में हमारे लोकतंत्र है, आपने कहा कि हमारे तरफ से राहुल गांधी खड़े होते हैं, प्रियंका गांधी खड़ी होती है, और उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं होता, इसका मतलब कि जो बाकी कार्यकर्ता है उसमें ताकत की कमी है कहीं ना कहीं, या कमजोर है, या खुद को समझते नहीं है। ना हम इसको बात नहीं, लोकतंत्र है, अभी आपने ही कहा, लेकिन हर पार्टी में तो ऐसा होता है ना कि आप सेकंड हायरार्की जो है थर्ड हायरार्की आप हमेशा खड़ा करते हैं जो आने वाले जनरेशन के लिए, लेकिन कांग्रेस में खड़ा तो किया नहीं जा रहा है सर, उन्होंने कह देते हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना अध्यक्ष पद के लिए, तो फिर क्या छोड़ दीजिए। लेकिन उनका कहना जो भी होता है, लेकिन आपने कहा ना कि हमारा जो भरोसा है, हमारा जो विश्वास है वो उन्हीं में है, यानी वो चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये फिर कैसा लोकतंत्र हुआ बताइए। देखिए जिस तरह लोकतंत्र की बात हम अगर करते तो हमारे पार्टी में भी तो इतने सारे सदस्य हैं, हर राज्य में, ग्रामीण इलाकों में भी आज भी लोग इंदिरा जी के नाम से वोट देते हैं। आप चले जाइए उड़ीसा, वहां इंदिरा जी को लोग जानते हैं, तो इंदिरा जी का परिवार है बेसिकली, उसी को वोट मिलेगा, सबको ये बात मानते हैं। हम कटक घूमे, भुवनेश्वर घूमे, उड़ीसा का हर 16 जिला, मैं वहां की प्रभारी थी तो लगभग 16 जिला हमने घूमा, हर जगह में इंदिरा जी को लोग पूछते हैं, घर में अगरबत्ती दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो किया होगा ना नेहरू परिवार का नाम, इंदिरा परिवार का नाम, तभी तो आज उनके बच्चों को माना जाता है, उनके परिवार को माना जाता है। क्या सोनिया जी का त्याग किसी को पता नहीं है, उन्होंने पति खोया, अपनी सास खोई, उसके बावजूद इतना बीमारी हालत में भी कांग्रेस पार्टी को चला रही है, चल रही है, ये काम नहीं है लोकतंत्र को, ये नहीं दिख रहा, तभी तो आज उनको कोई दूसरा कोई आके खड़ा नहीं होता है कि हमको बनना चाहिए। बिल्कुल, ये क्योंकि एकजुटता जो है वो सोनिया गांधी के जरिए, गांधी परिवार के जरिए कांग्रेस एकजुट है। आरती सिंह जी, इस चुनाव में अगर बीजेपी जीत का दावा कर रही है बेरमो में, तो क्या वजह हो सकती है, क्यों आप जीत का दावा कर रहे हैं, उसके पीछे आधार क्या हो सकता है? जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ऐसे लोगों के लिए आप दावा करने की बात के लिए तो हम बोलना चाहेंगे कि व्यक्ति विधानसभा चुनाव कहीं का भी रहे वो लड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो वहां का मतदाता होता है, तो इसमें इतनी बड़ी बात बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। वो कहीं का भी व्यक्ति रहे, अगर वो लड़ना चाहता तो किसी विधानसभा में जाकर लड़ सकता है। आप बताओ 5 साल तक कहां थे, आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम तक नहीं जोड़ा पाए, जब आप अपना नहीं करा सके तो आम कार्यकर्ता के लिए आप क्या कीजिएगा। और दूसरा कि सरकार जब से बनी है इसके रवैया को जनता देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, और उसे देखकर हम लोग दावा कर सकते हैं कि हम लोग आने वाले समय में जरूर जीतेंगे, और जरूर देख लीजिएगा दोनों सीट हमारा भारतीय जनता पार्टी का होगा। हम तो यही बात कर सकते तो मतदाता सूची में नाम आके दर्ज क्यों नहीं हुआ आरती जी, ये अगर आप वहां से उम्मीदवार हैं, उस क्षेत्र के जनता के लड़ रहे हैं, और आप लोकतंत्र में एक आप जनप्रतिनिधि के तौर पर, आप जनप्रतिनिधि की हैसियत से आप जनता के बीच जा रहे हैं, और खुद उसी लोकतंत्र आपका भरोसा नहीं हो पा रहा है। एक जो विधानसभा चुनाव, सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जरूरी नहीं है, अगर नहीं जरूरी है तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बात वही है ना कि आप कनेक्ट जनता से कैसे करेंगे, क्या आप जनता के साथ जुड़ी हुई है, विधानसभा से हम लड़ सकते हैं, तो मेरा नाम वहाँ हो ना हो इससे क्या दिक्कत होता है। कार्यकाल को भी देखा होगा ना जनता ने, 2 बार वो भी रहे हैं वहाँ पे,
कार्यकाल को भी देखा और अपना नाम नहीं जुड़ा पाए तो सबके मन में ये बात है ना भाई कि जो आदमी अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा पाए वो आम कार्यकर्ता के लिए क्या करेगा। आरोप 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 ये बड़ा है, वाकई हम करेंगे चर्चा इस पर, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ बीजेपी से आरती जी और कांग्रेस आवास सिन्हा जी यहाँ पर हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसका दिखाएंगे पल पल के अपडेट जो है दुमका और बेरमो उपचुनाव के, जहां पर इस वक्त मतदान हो रहे हैं। छोटे से ब्रेक, छोटे से अंतराल के बाद हम आते हैं आपके पास। ब्रेक बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, लेकिन सबसे पहले हम आपको वोटिंग परसेंट दिखा रहे हैं इस वक्त दुमका और बेरमो के। बेरमो उपचुनाव यहां पर हो रहा है तो वोटिंग परसेंट 3 बजे तक का जो है वो 56.30% है। वही दुमका की बात करें तो 59.10%, यानी कि दुमका का जो मतदान प्रतिशत है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और वहां पर वक्त भी ज्यादा है क्योंकि बेरमो में सिर्फ 4 बजे तक मतदान हो रहे हैं और इसलिए सिर्फ 20 मिनट के आसपास जो है वो वक्त रह गया है मतदाताओं के पास। तो हम अपील करते हैं जो भी मतदाता मतदान करने से छूट गए हो वो जल्द से जल्द मतदान केंद्र पर पहुंचे और इस मतदान प्रतिशत को और ज्यादा बढ़ाएं। और जो बार बार लगातार कहा जाता है कि बेरमो की जनता जागरूक है और हर बार मतदान का प्रतिशत बहुत ऊपर जाता है, तो उसे ऊपर करने में आप अपनी अहम भूमिका निभाएं। और इस वक्त हम अब सीधे हम चलते हैं राकेश के पास। राकेश, अब करीब करीब 1 घंटे का वक्त है वो रह गया है दुमका जो चुनाव चल रहे वहां पर, तो इस बार अगर आप देखें, आपने लगातार लंबे समय तक वहां पे प्रवास किया है, बहुत सारे नेताओं की सभाओं को आपने कवर किया, जनता से आपने मुलाकात की, मुद्दे जो हैं किस तरीके से अपील करते ना जरा दुमका में यहाँ पे लोगों को, क्या उन मुद्दों के जरिए जो जनता है अपना कुछ मन बदलती है या फिर ले देकर उनके पास भी सिर्फ एक ही विकल्प वहां पर है कि भैया मुख्यमंत्री जी के छोटे भाई है तो हम इन्हें वोट कर देते हैं, हमारे प्रत्याशी यही रहे तो बेहतर होगा क्योंकि सत्ता में इस वक्त गठबंधन की सरकार है। राकेश का सुन पा रहे हैं? राकेश हमारे पास फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे, हम उनसे आएंगे और जुड़ेंगे। तो मैडम आप ये बताइए, आप आबाजी आप ये बताइए कि जिस तरीके से हमने देखा लगातार हमारे जो तमाम सहयोगी लगातार उन्होंने कवर किया है और लगातार बहुत सारे नेता दुमका में खासतौर से बहुत ज्यादा जो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रिमंडल और तमाम जो सांसद विधायक जो भी हैं उन्होंने कैंप किया वहां पर और जनता के बीच जाकर उन्होंने वोट की मांग की। दुमका संथाल परगना का एक बड़ा हिस्सा है, अहम हिस्सा है और कर्मभूमि है ये जेएमएम परिवार, सोरेन परिवार का जेएमएम के लिए बहुत ताकत मिलती है वहां से। तो यहाँ पर क्या मुद्दे जो आपको लगता है कि जो विकास की जरूरत जनता को है तो जनता में उस विकास की बजाय सिर्फ और सिर्फ जो एक कारण होगा उन्हें वोटिंग करने के लिए जो मजबूर करता होगा वो होगा कि ये सीट मुख्यमंत्री जी की थी, उनके भाई को ये सीट हम दे दें, या आपको लगता है कि उन्हें थोड़ी सी लगता है कि उन्हें थोड़ा सा ज्यादा बेहतर उन्हें वहां पे काम हो पाएगा अगर जेएमएम के वहां पे कोई विधायक रहे तो, क्योंकि सत्ता में गठबंधन है। नहीं पंकज जी, इसमें हम आपसे थोड़ा सा इधर बात करना चाहेंगे कि विकास की गति सबको देखना चाहता, हर लोगों को अपने अपने राज्य जिला में विकास चाहिए। और जहाँ तक विकास की बात है तो हम बता रहे हैं, आपको पहले भी बताया कि बसंत जी लगातार वहाँ पर कैंप कर रहे, काम कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ की जनता ये भी जान रही है कि अभी हमारा सरकार भी है, हम अगर इनको वोट नहीं देंगे दूसरा आएगा वो क्या करेगा नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली ये सीट दुमका की जो सीट है वो जेएमएम की है, सब कुछ जानते इस बात को। और काम भी गति का काम, विकास का जो गति होना चाहिए वो कर रहे हैं, तो फिर दूसरे को क्यों चुने लोग। जागरूकता बहुत बड़ी चीज है, लोगों की समझ में बात आ चुकी है कि हमें इन्हीं को बनाना है, इसलिए इतने उत्साहित होकर के चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो या बुजुर्ग। मैंने सुबह में देखा था कितनी बुजुर्ग महिलाएं, कितने बुजुर्ग लोग चले आ रहे हैं, हमको वोट देना मेरा अधिकार है। तो ये अधिकार की बात अभी भी आप गांव में चले जाइए किसी को समझ में नहीं आएगा कि अधिकार क्या होता है, लेकिन इनको पता चल गया है क्योंकि वहां पर काम हुआ है तभी, और इसलिए लोग उत्साहित हैं। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे दोनों जिला के प्रशासन को कि बखूबी उन्होंने अपना काम निभाया और लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का निडर होके लोग आए इस कोरोना काल में, ये बहुत बड़ी बात है। आरती जी, यहाँ तो साफ तौर पे आवास ने कह दिया कि जनता क्यों चुने बीजेपी को जब उन्हें पता है कि सत्ता में जो है वो गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी को हम क्यों चुने, तो आखिर बीजेपी क्यों भी जीत का दावा कर रही है यहाँ पर, जनता तो साफ जनता के दिमाग में है ये तो कहना आवास सिन्हा जी का यहाँ पर है।
जिस तरह से बसंत सोरेन जी वहाँ के हैं, सारा उनके पिताजी वहीं के हैं, सारा कुछ उनका वहीं है, उसी तरह से हमारी जो प्रत्याशी है डॉक्टर लुइस मरांडी जी, वो भी वहीं की है और वहाँ की बेटी हैं, बहू हैं, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी रह चुकी हैं और जमीनी स्तर से वो जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि पूर्व में भी वो सीट वो उन्होंने निकाला था, जब सीएम थे, मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, तब उनको हराया था। हाँ, तो ये बात थे वो। ये हराया था, तो ये बात हम बिल्कुल निश्चिंत होकर भी कह सकते हैं कि ये अभी जो परिवर्तन की जो हो रही है बातचीत, कि भाई 10 महीने में सरकार ने क्यों नहीं कुछ भी कुछ क्यों नहीं किया, ठीक है कोरोना था मानते हैं, लेकिन आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और एक भी रीति नीति की बातें अगर करते हैं तो बोलते हैं कोरोना है, तो ये सब जनता समझ रही है, वहां की जनता समझेगी, और आने वाले समय में जो हमारा लेकिन आरती जी, रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार दावा करते हैं, और ऐसा रिकॉर्ड भी ऑन रिकॉर्ड भी है कि वो करीब करीब 100 बार के आसपास संथाल का दौरा कर चुके अपने 5 साल के काल में। बावजूद अगर विधानसभा चुनाव जो पिछले हुए थे वहां संथाल से बहुत उम्मीद जो थी वो सीट उनके पास आए नहीं, तो अब 10 महीने में ऐसा क्या हुआ होगा कि लुइस मरांडी पे भरोसा कर ले जनता इस बार? 10 महीने में जनता देखना चाह रही थी, इसीलिए परिवर्तन की है, लेकिन 10 महीने के अंदर में उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है, और सबसे खराब हालत अभी संथाल की ही है, जिस तरह की गैंग रेप हो रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट, खराब हालत तो होगी ना, पुल बने उसको चूहा खा गया, सब जो हो रहा है, तो इसको जनता समझ रही है कि इससे पहले जो शांतिपूर्वक सारा कुछ था, हम प्रशासन हमारा जो था वो सशक्त रूप से काम कर रहा था, हमारी महिलाएं जो है वो सुरक्षित होकर के रह रही थी, और हर दृष्टिकोण से वहाँ शांति, वहाँ क्या पूरे झारखंड में शांतिपूर्वक था, जैसे हमारे नक्सली जो थे, जो सक्रिय इतने सक्रिय होकर के काम करने लगे थे, उनका जो है वो बंटाधार कर दिए रघुवर दास जी, लेकिन अभी देखिए हर तरफ चाहे नक्सली हो चाहे अपराधी, सभी का बोलबाला है, तो इन सबको जनता देख रही है, सोच रही है और समझ रही है। अपने मुंह से उन्होंने कहा रघुवर दास जी, आवास राज्य इन्होंने तो कह दिया कि 10 महीने के लिए देख लिया कि 10 महीने में क्या कुछ हुआ है सरकार में, तो फिर जनता क्यों भरोसा करे? और अगर बात कोरोना की है तो फिर जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से तो कोई भी काम नहीं कर पाया है, तो ऐसे में कैसे जीत का दावा कर सकती है आप कि वहां से बसंत सोरेन जीतेंगे? इसलिए वजह तो वही है कि आपने कहा, साफ कह दिया आपने कि मुख्यमंत्री जी के छोटे भाई है और सरकार जो है, सरकार इस वक्त गठबंधन की सरकार है, तो इसलिए वहां चाहेगी जनता। मैंने आपको क्या कहा कि सीएम साहब वहां से चुनाव लड़े, जीते थे ना? हाँ बिल्कुल, आम जनता ने उनको वोट दिया था तभी तो जीते थे, उन्होंने इस सीट को छोड़ा, लेकिन अपने भाई को वहां पर विकास की गति को बढ़ाने के लिए रखा, और वो जेएमएम के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां काम शुरू कर दिया, विकास की गति बढ़ रही है, लोगों ने देखा, तो हम क्यों नहीं भरोसा? एक कहावत है हमारे बिहारी में या झारखंड में जो भी बोलिए, कि डाइन भी एक घर छोड़ करके किसी को मारता है, अपना घर कम से कम, यहाँ बहू है वहीं की, बेटी है वहीं की, लोगों का उत्थान आम जनता के लिए काम करना बेकार हो गया, अपना आसियाना पहले बना, तो इसको भी देखा है जनता ने, पुल बना उसको चूहा खा लिया, इसको भी देखा है जनता ने, वो दुमका भी तो नहीं बना वो, नहीं अरे भाई संथाल पड़ना में बना ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं बना, लेकिन उसको जनता ने देखा, और देखने के बाद लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा है कि अगर विकास बढ़ेगी तो सिर्फ गठबंधन की सरकार से बढ़ेगी, अन्यथा कोई बीजेपी को तो कुछ नहीं करने आ रहा, कुछ नहीं जी। देखिए साफ तौर पे कह रही है कि 5 साल का जो कार्यकाल है बहुत ज्यादा नहीं था, आप 10 महीने से कैसे तुलना कर सकती है? तो वही बात हो गई कि बार बार केंद्र में बीजेपी सरकार से पूछा सवाल जो पूछती बीजेपी पूछती है कि 50 सालों में क्या हुआ, आपके इनके भी 7 साल हो गए यहाँ पर है, ये तो वही बात हो गई यहाँ पर। अब ये लोकतंत्र है, जिसको जो कहना कहे, हम तो यही कहेंगे कि वहाँ विकास की गति काम कर रही है, विकास की गति चल रही है, और उसको बसंत सोरेन बखूबी निभा रहे हैं। बात है कि दुमका में हमारी एक महिला उम्मीदवार है, और जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो हम जेएमएम से क्या उम्मीद करें? उनके घर में ही एक महिला है जो सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं है, जिसके बारे में सभी जान रहे हैं, तो इस तरह से आप झूठ का बोल करके कि हाँ ये किए वो किए वादा वो, आप जनता दिखाएगी पारिवारिक लड़ाई को अगर आप लोग तो पारिवारिक लड़ाई है तो ये गलत तो मीडिया में लेकिन क्यों आया जी, पारिवारिक लड़ाई है लेकिन वो तो हो गई ना, बात खत्म हो गई, सीएम साहब ने उसको समझौता में कर लिया, घर के अंदर उसको खत्म कर सकते थे, लेकिन मीडिया में आने का मतलब यही हुआ ना कि आप उनके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सलट गया, सब बात खत्म हो गई है, अब इस तरह की कोई चर्चा नहीं है ना कोई बात है ना। चलिए हम धीरे धीरे समय की ओर बढ़ रहे हैं, अब सीधा सवाल यहाँ पर करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी जीत का दावा कर रही है और
किस हद तक लग रहा है उसे, कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जो हार की वजह बीजेपी के बनेंगे? आरती जी सबसे पहले, बीजेपी अपने पूर्व के काम पर भी दावा कर रही है, और दूसरी बात है कि अभी जो 10 महीने के अंदर सरकार का जो रवैया है उसे देखते हुए ये दावा कर रही है, और अपने पर पूर्ण विश्वास भी है क्योंकि वो सीट पहले भी जीती जा चुकी है और बेरमो की भी सीट पहले हम लोगों ने जीता है, पहले भी वहां विधायक हमारे रह चुके। इन सारे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारा ये जो दोनों सीट है वो भाजपा का है और भाजपा का ही रहेगा। आभा जी, गठबंधन की दोनों सीटें जो दुमका बेरमो वो रह जाने वाली है या जाने वाली है, रहने वाली है तो कौन से मुद्दे होंगे जिनकी वजह से आपको लगता है कि हाँ 100% जनता हमें जिता रही है, और अगर ये हार जाते हैं तो वो कौन सी चूक होगी जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि हाँ शायद इस वजह से हम हारे होंगे? देखिए, मजदूर पलायन की बात अगर हम ले लें, मजदूर पलायन अभी हो रहा है, नहीं हो रहा ऐसा बात नहीं, हुआ, लोग आए और जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनकी नौकरी थी, कंपनी खुला, उन लोगों ने बुला लिया, लेकिन जो यहाँ रह गए सरकार ने उसको नौकरी देने का काम किया है और आगे भी अभी देंगे। महिलाओं का अगर हम बोले तो आप बेरमो चले जाइए, वहां देखिए इतनी बड़ी नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है तो उसमें लड़कियां रहेंगी, हमारे घर की, हमारे पूरे झारखंड की महिलाएं उसमें नर्सिंग का ट्रेनिंग लेगी। दुमका में भी उसी तरह हर काम हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि काम नहीं हुआ 10 महीनों में। ये अपना अपना नजरिया है देखने का, हो सकता है कि कागज में अभी तक नहीं आया हो, एक दो दिन में आ ही जाएगा कि क्या क्या काम हुआ है दुमका में और क्या क्या काम होने वाला है बेरमो में। लोकतंत्र है, सबको अपना मत देने का अधिकार है और बोलने का भी अधिकार है, लेकिन हम लोग को पता है कि युवाओं में, महिलाओं में खास करके काफी उत्साह है और वो दोनों जगह का सीट गठबंधन को मिलेगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। उत्साह तो बिल्कुल बहुत रहा यहाँ पर है कि आरती जी, कि यहाँ तक कि दीपक प्रकाश ये बोल गए कि हम तो सरकार बदलने जा रहे हैं इन दो सीटों के जरिए, तो उत्साह इतना भी तो नहीं होना चाहिए था कम से कम। अब 10 नवंबर के बाद ही चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा, और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा, एनडीए के लिए अच्छा होगा, और हमारे सहयोगी भी पूरा हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो हम वो सीट को निकालने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नजर नहीं आ रही है। पर आभा जी, आप लोग भी तो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए, उत्साह जनता को दिखाना था वोटिंग करके, लेकिन आप थाने पहुंच गई, ये तो शायद पहला मौका होगा कि इस तरह से उपचुनाव जैसे जो जिसे बहुत ही सामान्य माना जाता है, उपचुनाव बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, उसमें आप थाने पहुंच जाते हैं, बयानबाजियां तो होती रहती है। हम नहीं समझ सके, थाने की बात कर रहे हैं आप, हमको नहीं समझ में आ रही बात। क्यों, आप थाने पहुंचे गए थे, वहां पे अगर बयानबाजियां चल रही हैं, चुनाव प्रचार है, प्रचार में लोग बयान देते हैं और कई तरह कहते हैं कि सरकार जा रही है, सरकार जाने वाले, 3 महीने में चेहरा बदल जाएगा, ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मतलब कांग्रेस की तरफ से, जेएमएम की तरफ से आप थाने पहुंच जाती है और आरोप लगा देते हैं कि देशद्रोह कर रहे हैं, ये पीछे कुछ ना कुछ साजिश कर रहे होंगे? बिल्कुल, ये तो साजिश की बात ही है, बौखलाहट नहीं है, साजिश की बात है। बीजेपी सत्ता में रहना चाहती है और कुछ नहीं, और ये अपने बयान देकर के आम जनता को बरगला रहे हैं। तो नंबर का गेम होगा ना, अगर उनके पक्ष में विधायक आ भी जाए तो इसमें गलत कहां पे, उसमें साजिश कौन सी बात आ गई? साजिश की बात थी पंकज जी, तभी तो थाना जाने की बात हुई, नहीं तो क्यों जाते? स्वतंत्र है, सभी लोग अपनी बातों, आम जनता को आप ये बोल करके कि बीजेपी आ रही है ये गलत है, इसमें आप चुनाव के पहले, आप वोटिंग के पहले आप ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं, ये गलत था। आप थाना जाने का कारण यही था कि आप मतलब चुनाव वोट देने के पहले आप कैसे ये बात को अपने दावा के साथ कर रहे हैं? अपनी बात कहने हम लोग इस बात को खारिज करते हैं सिरे से कि आप वोटिंग के पहले ये बात कैसे कहे कि हम, मेरा चेहरा बदलने जा रहा, बीजेपी में हम लोग आ रहे हैं, ये बात कैसे कहा उन्होंने जबकि सिर्फ दो सीटों पे ही, इसमें कहीं ना कहीं तो साजिश थी, जबकि दो सीट सरकार, हाँ, दो सीट की बात पे कोई सेहत पे असर नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आभा सिन्हा जी और साथ में आरती सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इससे पूरे एक घंटे तक जो हमने चर्चा की उपचुनावों की, उसमें अपने अपने तरफ से अपने पक्ष रखने के लिए अपनी अपनी पार्टी का, और जीत का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है, हार का दावा कोई नहीं करता है क्योंकि चुनाव में हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन इस जीत, लेकिन 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 इस जीत, इस जीत जीत को जो लिखने वाले जो पटखाता है वो जनता लिखती है, और जनता उस वक्त लिख रही है। बता दें आपको कि अब से कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर बेरमो में उपचुनाव जो प्रचार है, जो मतदान है वो खत्म हो जाएंगे, दुमका में 1 घंटे तक और चलेंगे, लेकिन फिलहाल जनता से ही अपील, दुमका की जनता से अपील ये, क्योंकि वो पहुंचे, उनके पास वक्त है, वो लोकतंत्र के इस पर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड उपचुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 11 भारत, और सोशल मीडिया के जरिए हमसे कनेक्ट होते रहे अपडेट, हर अपडेट से झारखंड उपचुनाव के। नमस्कार।